हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला मेरा नाम नानकी बवेजा है स्टूडेंट्स आज हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं आप कहोगे मैम इसमें ऐसा क्या खास है तो इस टोटल वीडियो सीरीज की सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू बिल्ड योर फाउंडेशन दैट इज टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट आप कहोगे मैम आप बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बैक टू बेसिक्स जाके बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं बैक टू बेसिक जाके बेसिक्स का मतलब हो गया है एनसीआर टी के कॉन्सेप्ट तो जैसे ही आप यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते होंगे आपने अक्सर अपने सीनियर्स अपने फ्रेंड्स अपने पेयर्स अपने मेंटर्स से ही सुना होगा कि फोकस ऑन एनसीआर फोकस ऑन एनसीआर टी हमें पता होने के बावजूद भी हम एन पे फोकस नहीं करते कई बार हम सोचते हैं छोड़ अरे क्लास में पढ़ लेंगे फिर कई बार सोचते हैं हम उसकी समरी पढ़ लेंगे बट एट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हम एन सी इसको कवर नहीं करते हैं बट जब हम फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं स्पेशली फॉर दी सब्जेक्ट पॉलिटी एंड इकॉनमी वहाँ पे काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं और इकॉनमी में तो खास करके बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं वो अब वहाँ जाके समझ नहीं आते जैसे कि असेट क्या होता है लाइबिलिटी क्या होता है रिसोर्स क्या होता है फ़िक्स कैपिटल क्या होती है डेवलपमेंट क्या हो रहा है ग्रोथ क्या हो रही है जी क्या हो रहा है जी क्या है एन क्या है कैसे कैसे किस कैसे डिराइव करना है तो <clears throat> उस टाइम क्या होता है अब आप ये तो भूल जाते हैं कि आपको आपके मेंटर्स ने बताया क्या था तब आप दिमाग में बस क्योंकि आप इतने उस टाइम ओवरबर्डन होते हो इतनी सारी चीज़ों से आपके टेस्ट सीरीज भी चल रही होती हैं आप न्यूज़पेपर के साथ भी स्ट्रगल कर रहे होते हो तो बस अब आप आपके दिमाग में क्या एक धारणा सी बन जाती है कि इकॉनॉमी क्या है बहुत ही टफ सब्जेक्ट है इकॉनॉमी टफ़ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों इकॉनॉमी बिल्कुल भी टफ़ नहीं है इकॉनॉमी टेक्निकल है और टेक्निकल क्यों है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट हैं और एक बार आपने कहते हैं ना अगर आपकी फाउंडेशन आपकी नींव जो है स्ट्रोंग हो जाती है तब आपकी बिल्डिंग बनने में देर नहीं लगेगी और फाउंडेशन को स्ट्रोंग करने के लिए ही जो ये सीरीज है लाई गई है जहां पे मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की एनसीआर अच्छा एनसीआर के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि मैम सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या कौन से पॉइंट पे हमको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए ये भी एक ऐसा डायलिमा है जो बच्चों को इनिशियली समझ नहीं आता दो तीन अटैम्प्ट के बाद जब स्टूडेंट्स थोड़े पक जाते हैं तब जाके तब तक एक्चुअली टाइम काफ़ी निकल जाता है तब तक आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो आई डो नॉट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दिस फेस दैट इज़ बाई बहुत ही स्ट्रीम लाइन और स्ट्रक्चर तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे और स्ट्रीम लाइन और स्ट्रक्चर तरीके का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप पहले ही सारी मुसीबतों को समझ लो अच्छे से मुसीबत क्यों बोला मुझे पता है आप लोगों को इकोनॉमी बहुत टफ लगती है तो इसलिए पहले ही उसको हम क्लियर कर लें सो दैट जब आप किसी भी फाउंडेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए तो आज से जो हम हैं स्टार्ट करने वाले हैं मतलब आज से क्या आप भी से सबसे पहले हम फोकस करेंगे क्लास नाइन्थ की एन बहुत ही छोटी सी प्यारी सी चालीस पचास पन्नों की आपकी एन है जो कि चार चैप्टर्स में डिवाइडेड है इफ यू सी ये चार चैप्टर्स है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पीपल एज रिसोर्स पावर्टी एज चैलेंज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इतनी ईजी बुक है इतना इतनी ल्यूसेट तरीके से लिखी हुई है इस पूरी किताब का मकसद आपको बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना नहीं है बस आपको वर्ड्स के साथ रूबरू कराना है तो मैं भी अपने एक्स्ट्रा इनपुट्स नहीं आपको देने वाली समझाने के लिए इनपुट्स इन दी टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज क्योंकि मुझे अभी आपको ओवरबर्डन नहीं करना है जितना एन में दिया है उसको और इजी कर एन इजी होती है एन को और इजी करके पढ़ाने वाली हूँ स्टार्ट करते हैं हमारी मैराथन का जिसमें हम चैप्टर वन विच इज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में बात करेंगे तो अगर आप अपनी फर्स्ट जो चैप्टर उसको उठा के देखेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में एक पालमपुर नाम से विलेज है जो कि सच में एग्जिस्ट नहीं करता एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की एक विलेज है पालमपुर ठीक है ना उसके बारे में स्टोरी बताई हुई है जिसमें ये बताया हुआ है कि उस विलेज में जो फार्मिंग है वो वहाँ की मेन एक्टिविटी है जैसे ही हम विलेज के बारे में सोचते हैं सबसे पहले हमें क्या ध्यान आता है खेत ध्यान आते हैं तो बस पालमपुर के बारे में भी ये बताया हुआ है कि जो विलेज है सॉरी फार्मिंग है वहाँ की मेन एक्टिविटी है फार्मिंग तो पता है इसमें थोड़ी कोई इकोनॉमी आ गई है तो सीधा फार्मिंग क्या खेती बाड़ी ठीक है चलो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे गाय बकरी चराना ठीक है ना कोई दुकानें अब आप ये थोड़ी एज्यूम कर सकते हो कि आ, कोई विलेज में जाके कोई एम हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस हो नहीं ठीक है ना तो वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है मोस्टली फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं प्रेजेंट लेकिन बहुत कम लेवल पे है और बताया हुआ है मतलब कुछ कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं आती वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेशन फैसिलिटी मतलब जो पानी है खेतों में पाइपलाइन के थ्रू और वहाँ पे कैनाल है ये सारी चीज़ें पास में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कच्ची रोड्स हैं properly कनेक्टेड है आसपास के दूसरे सिटीज़ आसपास के दूसरे गाँव से तो ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं इसमें से आप कहोगे मैम economy वाली क्या बात थी अरे कुछ भी बात नहीं थी इतना डरना क्यों है हम तो सीधी सीधी normal normal बात कर रहे हैं बस बताया हुआ है कि स्टार्टिंग में जो विलेज ऑफ पालमपुर है उसके <coughs> characteristics बताया हुआ है कि भाई वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था है फार्मिंग सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या करते हैं फार्मिंग करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्रेजेंट है ठीक है ना अब इसके बाद अब इसके बाद बात करी गई है प्रोडक्शन कि बेसिकली भाई प्रोडक्शन क्या होता है वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है ना सो so इसके बाद बात करी गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी तो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन वर्ड होता है और एक होता है वर्ड मैन्युफैक्चरिंग ये वर्ड भी आपने सुना होगा बहुत बार सुना क्या हमें बचपन से ही पता है मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है इसमें थोड़ी कोई कन्फ्यूजन है लेकिन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम कई बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है? इन दोनों में फ़र्क होता है या ये दोनों एक चीज़ है सो बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता है आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो हो सकता है आप गन्ना आप चावल आप आलू आप ऑनियंस आप मोटरसाइकिल आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो रॉ मटेरियल मतलब लॉ मटेरियल मतलब जिस जिसकी जिसको यूज़ करके हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं ठीक है ना तो बेसिकली आप रॉ मटेरियल भी बना रहे हो आप फिनिश गुड आप एर एरोप्लेन से लेके हेयर पिन से लेके आलू से लेके टमाटर से लेके भिंडी दैट इज़ वॉट इज़ प्रोडक्शन ठीक है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई रॉ मटेरियल लेके आप कोई इनपुट लेके आप कोई चीज़ लेके उसको उस पर कुछ प्रोसेस करते हो और उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो जैसे कि मैंने लिया गन्ना शुगर केन होता है ना तो मैंने शुगर केन लिया उस पर मैंने कुछ प्रोसेसिंग करी और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया शुगर में जो हम चीनी यूज करते हैं घर में कहाँ से बनती है गन्ने से बनती है गन्ने कहाँ होते हैं खेत में बनते हैं राइट सो दैट प्रोसेस इज मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोडक्शन जो एक प्रोडक्शन होता है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है एक अम्ब्रेला टर्म है ठीक है ना उसका उसमें एक छोटा टर्म आता है विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या कर रहे हो चीज़ों को लेके रॉ मटेरियल को लेके उसको कन्वर्ट कर रहे हो बस इतना समझना है तो अब प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है अब आपको मान लो प्रोडक्शन करना है जूस का आपको एक जूस की दुकान खोलनी है ठीक है आपने सोचा हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे हम तो स्टार्टअप खोलेंगे ठीक है अब स्टार्टअप खोलने के लिए आपने सोचा हम जूस बेचेंगे मम्मी ने पूछा भैया स्टार्टअप खोलेगा करेगा क्या तू बेटा मम्मी मैं जूस बेचूंगा ठीक है जी कोई बात नहीं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए ये चलो आप आप जूस की दुकान भी छोड़ दो आप, उस आपने सोचा है, हम गांव जाएंगे खेती करेंगे भाई हमसे ना हो पाएगा ये शहरी लाइफ में नहीं रहेंगे हम बहुत हो गए ये सब हम गाँव जाएंगे आराम वाला जीवन बिताएंगे वहाँ पर काम करेंगे और शांति से रहेंगे पोल्यूशन से दूर ठीक है जी चलो अब अगर हमें खेती करनी है खेती में भी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो बेसिकली प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं खेती भी तो प्रोडक्शन ही है कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्शन के दिमाग लगाओ सबसे पहले क्या चाहिए सबसे पहले तो लैंड चाहिए जहाँ पे आप बीज बोओगे ठीक है लैंड चाहिए उसके बाद हमें लेबर चाहिए या तो आप लेबर खुद बन जाओ और अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो लेबर हायर कर लो जो आपके खेत पर आके काम करेंगे ठीक है ना लैंड हो गया लेबर हो गया दूसरा तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल फ़िज़िकल कैपिटल दो टाइप की होती है एक तो होती है वर्किंग कैपिटल ठीक है ना एक तो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल एक होती है फिक्स्ड कैपिटल एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल तो अभी घबराओ मत अभी से दिमाग में ब्लॉकेज नहीं बनानी है कि ये कैपिटल बॉड अरे अभी सब जब लैंड लेबर समझ आ गया तो फिजिकल कैपिटल नहीं समझ आएगा तुम लोगों को आएगा ना बिल्कुल ठीक है तो फिजिकल कैपिटल मतलब जिन चीजों को यूज करके जिन चीज़ों को यूज़ करके तुम दूसरी चीज़ें बनाओगे जैसे लैंड हो गया लेबर हो गया फिजिकल कैपिटल जैसे कोई मशीनरी रखोगे ठीक है ना जैसे हार्वेस्टर होता है ठीक है ना कोई वो खुरपी रखोगे खोदने के लिए वो खुरपी क्या है वो खुरपी है टूल्स ठीक है ना टूल्स भी एडवांस टूल्स भी हो सकते हैं या बेसिक टूल्स भी हो सकते हैं जैसे कि खुरपी हो गई स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर रखोगे पानी डालने के लिए वो भर के लेके जाओगे और ऐसे ऐसे करके पानी डालोगे या पाइप लोगे ठीक है ना पाइप डालोगे अपने खेत में ताकि वहां पे वो घूम घूम के घूम घूम के खेतों में पानी पहुँच जाए ठीक है ना तो टूल्स जैसे कि स्प्रिंकलर हो गया ठीक है फिर और फिजिकल कैपिटल जैसे आपको बीज चाहिए आपको फर्टिलाइजर चाहिए ठीक है ना लिख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि फर्टिलाइजर चाहिए आपको सीड्स चाहिए आपने इन दोनों में डिफरेंस देखा क्या आपको कुछ इसमें डिफरेंस लग रहा है नहीं अभी दिखाती हूँ आप स्टूडेंट्स ये देखोगे कि फ़र्टिलाइजर एंड सीड्स जो हैं ये आपको बार बार चाहिए होंगे आप थोड़ा टाइम उसे यूज़ कर पाओगे फिर वो ख़त्म हो जाएंगे फिर से आपको फर्टिलाइजर और सीड्स ख़रीद के लाने पड़ेंगे ठीक है ना पर अगर आप टूल्स की बात करो जैसे स्प्रिंकलर हो गया जैसे कि खुरपी हो गई वो तो आपने एक बार खरीद लिया हो सकता है अगले दो साल चार साल पाँच साल चल जाए ठीक है अब आप एक बार ट्रैक्टर खरीदोगे तो हर तीन चार महीने में ट्रैक्टर थोड़ी ख़त्म हो जाएगा ट्रैक्टर तो आपके पास अगले पांच साल दस साल बीस साल रहेगा तो कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है वर्किंग कैपिटल और कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी फिक्स कैपिटल कैपिटल मतलब जो आपके पास लंबे समय तक रहने वाली है जैसे कि गाड़ी जैसे कि घोड़ा जैसे कि ट्रैक्टर जैसे कि स्प्रिंकलर बट कुछ कैपिटल ऐसी होती है जो कुछ कुछ टाइम में मतलब आपके वर्किंग के लिए जरूरी है वो फिक्स्ड नहीं है आपके पास वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी है आपके पास वर्किंग के लिए जरूरी है आपने उसको यूज किया वो खत्म हो जाएगी जैसे कि कैश कैश आपने पचास हजार रुपये लिए फिर आप उससे डिफरेंट 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 सामान खरीद लाए आपने यूज किया कैश खत्म हो गई ठीक है ना सो दैट इज वॉट इज वर्किंग कैपिटल और एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल तो ये भी तो चाहिए हमें खेत के लिए ठीक है ना लास्ट में हमको क्या चाहिए ह्यूमन कैपिटल हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो ये सारी बुद्धि लगाए कि अब मैं अपने घर जाऊंगा गांव जाके खेती करूंगा मुझे नहीं एम एन में जॉब करनी है मुझे नहीं है कॉरपोरेट स्लेव बनना है मुझे घर जाना है वहाँ जाके गांव में आराम से मैं एक बीघा ज़मीन अरेंज करूंगा फिर मैं वहाँ पे डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा क्रॉप उगाना है किस तरीके से उगाना है फिर मैं वहाँ पर लेबर हायर करूँगा बेसिकली एक हमें ऑन्टरप्रन्य चाहिए एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अपना दिमाग लगाए ठीक है ना दिमाग लगाए एंड अरेंज थिंग्स कौन सी थिंग्स ये सारी चीज़ें अरेंज करें तो ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप देख रहे हो किस पे डिपेंड कर रहा है ह्यूमन कैपिटल और वी कैन से ऑन्टोप्रन्योर जो आजकल हर बच्चा बनना चाहता है स्टार्टअप खोलेंगे स्टार्टअप करेंगे ठीक है ना फिर यूनिकॉर्न बनेंगे फंडिंग रेज करेंगे सोचते हैं ना ये सब के नहीं सोचते हैं पर कर बहुत ही कम बच्चे पाते हैं ठीक है जैसे जब यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करते हो सबको सबको फॉर्म भरते हुए सबको लगता है एक बार में हमारा ही हमारा ही निकलेगा हम हैं वो ए आई आर वन बट जैसे 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 टीचर बोलता है कि भैया ये ये मेहनत करनी पड़ेगी तब वो ए आई आर वन कब ए आई आर वन लैक हो जाता है पता भी नहीं लगता सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पे है ठीक है ना सो वी नीड वन सच पर्सन हु कैन अरेंज दीज थिंगस फॉर आस दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन के रूप में कैपिटल ह्यूमन के रूप में पूंजी जिसको आप ऑन्टरप्रेन भी कह सकते हो तो अभी तक शॉर्टेड था कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं भाई हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो हमें तीन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है ठीक है ना और इकोनॉमिक्स के टर्म से देखें हम तो हमारे को इनको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चीज़ें जो फैक्टर्स हमको चाहिए प्रोडक्शन के लिए आप कहोगे मैम इससे भी और भी तो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं नहीं भैया इकोनॉमिक्स के लिए भी हमें सिर्फ इतना जानना है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब भी बात होती है और ये टर्म थ्रू आउट यूज़ होगा थ्रू आउट अभी हम ट्वेल्थ तक की जब एनसीआरटी करेंगे तब तक ये यूज होगा टर्म तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये चार चीजें ये चार चीजें जिसमें लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल और आपकी ह्यूमन कैपिटल आती है <coughs> अब हम एक एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड यहाँ पे किसका पढ़ा था हमने लैंड पढ़ा था ठीक है ना तो लैंड में सबसे बड़ा कंस्ट्रेन क्या है लैंड में सबसे बड़ा कंस्ट्रेन है कि ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो यूएसए हो जापान हो चाहे वर्ल्ड की कोई सी भी कंट्री हो उनके पास लैंड क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है ऐसे थोड़ी लैंड का साइज़ आप इंक्रीज कर दोगे इंडिया का जो मैप है थोड़ा सा खींच के या इंडिया की जो टेरिटरी है थोड़ी सी खींच के बड़ी कर दोगे ऐसा पॉसिबल है नहीं है एट मैक्स क्या कर सकते हो लैंड के साथ या आप उसका बेस्ट बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि मेरे पास जो लैंड है तभी तो फ्लैट सिस्टम आया ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं हाई राइज सोसाइटीज होती हैं मेट्रो सिटीज में व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू दे आर ट्राइंग टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस ऑफ जो लैंड है कि भाई इतनी सी जमीन है ठीक है ना या तो इसमें एक घर बन सकता है क्योंकि इसमें एक्सपैंड नहीं कर सकते जमीन इतनी है तो ऊपर के ऊपर ऊपर के ऊपर घर चढ़ा दो सो वॉट आर दे ट्राइंग टू डू इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप भी यही करिए क्यों क्योंकि लैंड के साथ सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है कि इट इज़ लिमिटेड नॉट टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन अच्छा सॉरी सो बिगेस्ट कंस्ट्रेन विद लैंड इज दिस या फिर आप क्या करिए उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए और वो किस तरीके से होता है फार्म में भी आप सबके पास लिमिटेड लैंड होगा आप जब घर जा रहे थे खेत खोलने तो लिमिटेड लैंड ही तो मिलेगा अब क्या करें अब हमें इंक्रीज करना है प्रोडक्शन वॉट कैन वी डू अबाउट दैट सो वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन कन्वर्ट दी वेस्ट लैंड इन टू कल्टिवेबल लैंड जो बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी होती है बंजर जमीन जहाँ पे कुछ नहीं उग सकता उसको जाके उसमें आ, प, अपना पेस्टिसाइड्स डाल के फर्टिलाइजर्स डाल के उसको कल्टिवेबल मतलब जिसमें फिर कल्टिवेट किया जा सके उसमें कन्वर्ट करो या फिर आप करो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को दो क्रॉपिंग सीजन होते हैं एक होता है ख़ारिफ एक होता है राबी ठीक है ना यूजली फार्मर्स क्या करते हैं खारिफ क्रॉप उगा दिया छः महीने के बाद छः महीने फिर उसके बाद वो वेट करते हैं कि नेक्स्ट ख़ारिफ सीज़न कब आएगा ठीक है ना खारिफ कब होता है मॉनसून के टाइम राबी कब होता है विंटर के टाइम ये तो जोग्रफी में पढ़ा था जोग्राफी में थोड़ी इकोनॉमी आ गई राइट तो क्या है भाई अगर हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो आप खारिफ भी उगाओ और राबी भी उगाओ तो आप पूरे साल आप अपने लैंड को यूटिलाइज कर रहे हो बट अगर आप क्या कर रहे थे सिर्फ खारिफ क्रॉप्स उगा रहे थे तो आप अपने लैंड का साल में 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे सो कैन वी से ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है नहीं नहीं है बट हमें मैक्सिमाइज करना है प्रोडक्शन तो हमें ये करना पड़ेगा या फिर वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूज़ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ऐसे बीज जिसकी उपज बहुत ज़्यादा और बहुत कम टाइम में है अदरवाइज आपने देखा होगा आप कोई बीज लगाते हो बहुत टाइम लगता है पहले छोटा सा प्लांट बनता है फिर वो बड़ा होता है फिर उस पर जाके फ्लावर्स आते हैं फ्रूट्स आते हैं बट इफ़ यूज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा उपज आती है कम टाइम में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली थी ना तब हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स नहीं यूज़ करते थे हाई यील्डिंग वैराइटी ऑफ क्रॉप्स नहीं यूज़ करते थे तभी बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होता था हमारे कंट्री में फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट करना पड़ता था हमको फिर उसके बाद आया था ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं सुना है ये टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1969 में 68 में जब हमने हाई गिल्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूज करना चालू करा और ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो जिनको फर्टिलाइजर्स की, होती जिनको की जरूरत होती है जिनको इरिगेशन फैसिलिटीज की भी ज़रूरत होती है सो चलो ग्रीन रेवोल्यूशन इन सब पे बाद में जाएंगे जब फाइव ईयर प्लान्स की बात करेंगे बट अभी क्या बात कर रहे हैं कि भाई लैंड को अगर मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है तो हम लैंड का साइज तो बढ़ा नहीं सकते बट लैंड को किस तरीके से यूज़ करना है उसको हम जरूर चेंज कर सकते हैं एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ठीक है तो ये लैंड हमारा पहला जो है वो रिसोर्स हमने डिस्कस कर लिया ठीक है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एफ ओ फिर लेबर अच्छा एक आ, हाँ एक चीज़ और आप समझिए इंडिया में जो लैंड साइज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फार्म लैंड की बात कर रही हूँ तो अब जैसे हम गांव गए हमने देखा यार कुछ कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स हैं लेकिन हमने देखा मेजॉरिटी ऑफ़ फार्मर्स के पास बड़े छोटे छोटे लैंड्स हैं ऐसा क्यों हुआ होगा सोच के देखो अच्छा आपको आपको अगर हम सोचेंगे तो तब ना जब हमें बता होगा तो ये जो फैक्ट है ना ये जो ये जो मैं बताने वाली हूँ इसको आप अभी दिमाग में बिठा लो क्यों क्योंकि इसको आपको बार बार मेंस के इंटरव्यू तक आपके ये जो फैक्ट है काम आएगा कि इंडिया में जो फार्म लैंड का साइज है मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मर्स हैं मेजॉरिटी ऑफ दी फार्मर्स है उनके पास लैंड दो हेक्टेयर से कम है अब इसकी स्टोरी समझते हैं कैसे भाई जब मान लीजिए आज़ादी हुई होगी या आज़ादी मिली तो इतना बड़ा लैंड था ठीक है ना और ये था रामू ठीक है ये रामू था इसके पास था दस बीघा ज़मीन दस बीघा जमीन थी ठीक है अब रामू के हो गए पांच बच्चे पांच लड़के हो गए उस टाइम तो बच्चे भी बहुत सारे होते थे ठीक है ना पांच लड़के हुए उसके ठीक है पांच लड़के हुए तो ये दस बीघा जमीन उसने सबको दो दो बीघा बांट दी भाई सब ने अपना हिस्सा मांगा भैया बंटवारा करो दो बीघा सबके हाथ आई फिर ये जो बच्चे हुए थे इनका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई फिर ये ए और ये इन सबके भी आगे दो दो बच्चे हुए तो ये जो दो बीघा ज़मीन थी और आगे एक एक बीघा मिली फिर आगे और दो बच्चे हुए तो ये करते 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 आप देख रहे हो दस बीघा ज़मीन का साइज़ कितना छोटा हो गया ज़मीन एक ही पर्सन की थी इतनी बड़ी बट आगे 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 क्योंकि इतने बच्चे थे ज़रूरत थी तो आगे 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 लैंड क्या हो गई फ्रैगमेंट हो गई एंड दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज की तारीख में इंडिया में आज की तारीख में इंडिया में इफ़ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स के पास जो लैंड साइज है इट इज लेस देन टू हेक्टेयर्स इट इज लेस देन टू हेक्टेयर्स ठीक है चलिए तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा अब हम देखते हैं बात करते हैं लेबर के बारे में भाई लैंड भी ले लिया अब उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी है हमारे लिए उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोग जो उसके ऊपर आके काम कर सके दैट इज वॉट इज कॉल्ड इज लेबर ठीक है ना इट इज़ दी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ना अब कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग खुद ही लेबर बन के अपनी जमीन पे काम करते हैं ठीक है ना अगर लैंड छोटा है या फिर पैसे नहीं है ठीक है और कुछ लोग क्या करते हैं अगर पैसे हैं और लैंड भी बहुत बड़ा है तो ठीक है हम लेबर हायर कर लेंगे आपने देखा होगा कि कुछ लोग खुद से खाना बनाते हैं और कुछ लोग खाना बनाने के लिए किसी को हायर करते हैं राइट सो सम पीपल कल्टीवेट्स सिमिलर इट 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 ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी सो सम पीपल कल्टिवेट देयर लैंड डेमसेल्स एंड सम लार्ज फार्म लैंड ओनर्स बहुत बड़े बड़े खेत है बहुत पैसा है ठीक है ना दे हायर दी लेबर्स बट इसके आगे हम नहीं जाएंगे बातें बहुत सारी और समझाई जा सकती थी लेकिन क्यों अभी हमें सिर्फ डराना नहीं है बच्चों को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है तो ये हो गया लेबर इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कैपिटल हमने देखा था फिजिकल कैपिटल जो हम किस में डिवाइड कर रहे थे जो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल तो कैपिटल में कैश सबसे बड़ा वो होता है कंपोनेंट क्यों क्योंकि हमें दूसरे रिसोर्स खरीदने के लिए हमें दूसरे रिसोर्स खरीदने के लिए क्या चाहिए कैश टू बाय मटीरियल फॉर फार्मिंग फार्मिंग में कुछ भी करना है बीज खरीदने हैं पेस्टिसाइड खरीदना है फर्टिलाइजर खरीदना है मनी इज नीडेड मनी भी दो तरीके से अरेंज हो सकता है कैसे या तो आप खुद की सेविंग यूज करो ठीक है ना खुद के पास पैसे थे यूज किए ठीक है अदरवाइज बोरिंग दी मनी फ्रॉम देंडर्स ठीक है सिंपल बात है अभी देखो हम तो बहुत बहुत जेनरल बातें कर रहे हो नाइन्थ की आपकी बुक पूरी ही पूरी बहुत जेनरल है बहुत जेनरिक बस आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए टू द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम हायर स्टैंडर्ड्स uh, में जाएंगे क्लास में जाएंगे वहाँ पे है वहाँ पे आपको जैसे जब हम जीडीपी की बात करेंगे जीएनपी की बात करेंगे उसके लिए ज़रूरी है थोड़ी बहुत आपको एक पीछे से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो थोड़े से आप फैमिलियर हो टर्म्स से तो ये मत सोचना कि अरे ये क्या समझ सोचने समझने वाली बात थी यही छोटी छोटी बातें आपको बाद में हेल्प करेंगी जैसे हमने अभी ये पढ़ा था ना कि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स का जो लैंड साइज है क्या है मन में दोहराओ आपने क्या है इट इज लेस देन टू हेक्टेयर ठीक है चलो अब कैपिटल की बात हो गई एंड फिर था लास्ट था ह्यूमन कैपिटल ये याद पीछे चलते हैं ठीक है ह्यूमन कैपिटल है इसके बाद तो पू के ऊपर पूरा चैप्टर ये चैप्टर टू ठीक है ना तो ये वाला वहाँ पे डिस्कस करेंगे बार बार नहीं पढ़ेंगे बोर नहीं करेंगे हम ठीक है चलो ये तीन चीज़ें हो गई अब आता है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मैंने क्या बताया था पालमपुर में एक हाइपोथेटिकल विलेज है मेजोरिटी ऑफ दी लोग वहाँ पे क्या करते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ लोग वहां पे क्या करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ नॉन फार्मिंग मतलब जो फार्मिंग नहीं है भाई फार्मिंग एक्टिविटीज जिसमें आप फार्मिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हो नॉन फार्मिंग मतलब आप जिसमें कुछ खेती बाड़ी से रिलेटेड नहीं कुछ और कर रहे हो जैसे कि आपका एक फार्म है पोल्ट्री फार्म होता है है ना मुर्गियाँ रखी होती हैं फिर आपका मिल्क फार्म है मतलब आपने है। आप गाय भैंसे पाली हुई हैं आप दूध निकालते हो और दूध बेच के आते हो गाँव में दूध चाहिए होता है ना या फिर आपकी छोटी सी परचूने की दुकान है ग्रोसरी स्टोर जिसको बोलते हैं परचून की दुकान जिसके पास जिसके पास आपको वो तेल की शीशी बिंदी भी मिल जाएगी विम्बार भी मिल जाएगा तो आपको थोड़े मोड़े लेवल के कपड़े भी मिल जाएंगे जैसे बेसिक बेसिक कपड़े होते हैं सिंपल सिंपल शर्ट कोई टी शर्ट कोई चप्पल हवाई चप्पल जो होती है वो जो आई डोंट नो आप लोग आज की जनरेशन ने चप्पल देखी है कि नहीं वाइट एंड ब्लू कलर की चप्पल होती थी आई बिलीव गाँव में अभी भी चलती होंगी तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है मान लीजिए आपने आपकी क्या है आपकी डेयरी है आप क्या कर रहे हो ट्रेडिंग कर रहे हो ट्रेडिंग कौन सी कुछ शैतान बच्चों के दिमाग में ट्रेडिंग सुनते ही वर्ड आया होगा स्टॉक ट्रेडिंग नहीं नहीं वो वाली ट्रेडिंग नहीं ट्रेडिंग मतलब आपकी परचून की दुकान है आप गाँव से सामान खरीद के लाते हो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसे कि चिप्स के पैकेट जैसे कि बिंदी जैसे कि तेल और यहाँ पे उस पर थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको बेचते हो बेसिकली आप ट्रेडिंग का मतलब होता है आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग हर जगह होती है यहाँ नहीं गांव में नहीं यहाँ पे भी तो दुकानें जो होती है हमारे गली नुक्कड़ पे जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो क्या है ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं सामान लेके आते हैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन जोड़ते हैं और आपको बेच देते हैं तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दी मेजर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी नॉन फार्मिंग भाई दुकानें पर चून की तो हर जगह होती है डेयरी हो गई ट्रेडिंग हो गई <coughs> ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे आपने देखा होगा रिक्शे चलते हैं घोड़ा गाड़ी चलती है ठीक है ना बैलगाड़ी चलती है तो ये सारी क्या हो गई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज तो ये विद दिस हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो खत्म हो गया आप कहोगे मैम बस इतना सा हाँ क्योंकि बस आपको इस चैप्टर में हमको किससे ब्रीफ करना था हमको ब्रीफ करना था आपको कि भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्शन के लिए चार मेजर चीज़ें क्या चीज़ चाहिए होती हैं वो हमें पता चल गया लैंड चाहिए सबसे पहले फिर लेबर चाहिए फिर कैपिटल चाहिए और उसके बाद हम जैसा कोई होशियार इंसान चाहिए जो इन सारी चीज़ों को अरेंज कर सके और प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर सके अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर टू की जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल का एस्पेक्ट ठीक है तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर वन तो अब कंप्लीट कर लिया है बात करते चलते चैप्टर टू पे जैसे कि मैंने आपको बोला ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे तो आपके लिए इकोनमी का आगे जो फाउंडेशन प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा नो no मैटर आप कोई सी भी किताब पढ़ो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो टू अंडरस्टैंड फाउंडेशन इट विल बी लाइक अ केक वॉक क्यों क्योंकि हमने अभी जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो अब हम अपने चैप्टर टू पे स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर टू का मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ हाईलाइट दे देती हूँ बेसिकली तो चैप्टर टू में बात करी गई है कि क्या जो इंसान होते हैं इंसान हर कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या वो कम एक कोई सी भी कंट्री के लिए एज एन असेट काम आ सकते हैं कि या उनका क्या आ, योगदान हो सकता है या वो एक भार या बोझ ही बन के रह जाते हैं किसी कंट्री के लिए तो इससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं हम उस बारे में बात करेंगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला मैंने क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कैन पीपल ऑल्सो एक्ट एज़ अ रिसोर्स फॉर द कंट्री क्या जो लोग हैं एक कंट्री में जितनी भी उसकी जनता है वो उसके लिए रिसोर्स मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें कंट्री के लिए राधा देन कंट्री के ऊपर एक लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या होती है जिम्मेदारी जैसे कि जब तक हम खुद से कमाने नहीं लग जाते हम अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या है बोझ है आप कहोगे ये ये वर्ड तो हम रोज सुबह सुनते हैं अपने पापा से कब तक हमारे ऊपर बोझ बना रहेगा जा जाके कुछ कर ले कोई पेपर क्रैक कर ले ताकि तेरी नौकरी लग जाए ताकि हम भी ऐश कर सकें तो सिमिलरली अगर कंट्री के लोग कंट्री की जनता कंट्री की जो आवाम है देश की जनता जो है वो कुछ काम नहीं कर रही है तो वो देश के लिए क्या है देश के लिए बोझ है देश की सरकार के लिए बोझ है राइट वेर एज अगर वो बहुत स्किल्ड है मान लीजिए अगर कोई साइंटिस्ट बन के निकल आता है और देश का नाम चमका रहा है कोई देश देश में बहुत ही आ, माने हुए एडवोकेट्स हैं या कोई डॉक्टर है या कोई, कोई साइंटिस्ट है तो वो क्या कर रहे हैं वो देश के लिए नई चीज़ें डेवलप करेंगे और उससे क्या होगा देश की तरक्की होगी सो कैन पीपल एक्ट एज ए रिसोर्स फॉर दी कंट्री हाँ बिल्कुल आप सोचो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कब एज एन असेट मतलब कब उनके लिए कुछ एक प्रोडक्ट साबित होगे जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे सही रास्ते चलते रहोगे और कल को आप अच्छी नौकरी लोगे और या उनके लिए कोई कोई अच्छा नाम कमाओगे नौकरी आप कहोगे मैम क्या नौकरी पाना ही सब कुछ है? नहीं मतलब आप एक एक अच्छे इंसान बन के निकल आओगे और झूठ कपट से दूर रहोगे तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो जाओगे एक असेट हो जाओगे एक पूंजीवाद सॉरी एक असेट हो जाओगे राइट सो यस वेन दी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू वेन दी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज दी ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल इन दी कंट्री भाई कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए सौ किलो चीनी बनती है एक कंट्री है जिसमें चीनी के अलावा कुछ नहीं बनता और उसमें पूरे साल में सौ किलो चीनी बनती है अब अगर वहाँ के लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सीख ले या कोई ऐसा तरीका सीख ले जिससे वो चीनी का प्रोडक्शन बढ़ा पाए तो उससे क्या होगा चीनी देश में ज़्यादा चीनी बनेगी ज़्यादा चीनी बनेगी तो हो सकता है एक टाइम के बाद वो देश जो है वो उस चीनी को एक्सपोर्ट भी कर पाए तो क्या हो जाएगा those people will act as a resource for the country right chaliye ab population population kisi bhi country ki ek liability bhi sabit ho sakti hai or it can act as an asset also liability matlab जिम्मेदारी asset is something जो आपके लिए future में returns generate करेगा कैसे जी मान लीजिए आपने एक घर खरीद लिया एक जमीन का टुकड़ा खरीदा अब वो जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे क्या है आप उसकी वैल्यू अप्रीशिएट होगी और वो आपको रिटर्न देगा हो सकता है उसके ऊपर आप होटल खोल दे उसके ऊपर आप दुकान खोल दे फिर उस दुकान से आपको क्या आएगा उस दुकान से आपको आएगा रेंटल इनकम ठीक है मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीद ली और आपने उसको ऊबर के साथ टाई अप कर दिया अब आपको क्या आ रही है फिर से रेंटल उसके ऊपर रेंटल इनकम आ रही है राइट सो सिमिलरली पॉपुलेशन कैन आइदर एक्ट एज पॉपुलेशन कैन आइदर एक्ट एज लाइबिलिटी मतलब वो एक जिम्मेदारी भी बन के रह सकती है एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन असेट फॉर दी कंट्री अब हम देख लेते हैं कौन सी स्थिति में लाइबिलिटी बन जाते हैं और कौन सी स्थिति में हम क्या बन जाते हैं असेट बन जाते हैं लाइबिलिटी कब बनते हैं जब हम होते हैं काम चोर हम कुछ काम नहीं करना चाहते पूरे दिन जो है बैठे हुए हैं इंस्टा चला रहे हैं फिर मैच देख लिया मम्मी से खाना मांग लिया जब हम काम चोर हैं मतलब हम काम नहीं करना चाहते हैं ठीक है ना फिर या तो हम डम है या तो हम डम्ब है बिल्कुल ही कहते हैं न हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यू डम्ब तो वही वाला डम्ब यहाँ पे भी ठीक है ना या हम बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है बार बार क्या बीमार पड़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीमार लिख देते हैं बार बार अपने आप जोड़ लेना तो इन सारी स्थिति में मान लीजिए मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ ऐसा ना हो पर अगर मान लो मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ तो क्या होगा मेरे घर वालों को बार बार मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा वो वो क्या बोलेंगे अरे जब देखो आए दिन बीमार पड़ी रहती है जब देखो खर्चा हो जाता है क्या ये हमारे लिए कुछ करेगी कभी जिंदगी में बोलते हैं ना पेरेंट्स ऐसे तो अगर देश के जितने भी लोग हैं वो भी ऐसे ही हो जाए काम चोर हो जाए डम दिमाग नहीं चलाना चाहते जोर नहीं डालना चाहते बीमार पड़े रहे आए दिन तो दे एक्ट हैिटी जिम्मेदारी है जो हमारी गवर्नमेंट है सरकार है उसका खर्चा ही तो बढ़ा रही है बैठे बैठे क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो घर में राशन नहीं है घर में इनकम नहीं है गवर्नमेंट को तरह तरह की स्कीम चलानी पड़ेगी गवर्नमेंट को तरह तरह की सब्सिडी देनी पड़ेगी है ना लोगों की हेल्प के लिए कभी फ्री में राशन बांट रहे हैं कभी फ्री में तेल बांट रहे हैं तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है तो गवर्नमेंट की क्या बढ़ रही है गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ रही है सिमिलरली द सेम पॉपुलेशन कैन एक्ट एज एन असेट ऑल्सो कैसे पढ़ के पढ़ो पढ़ के क्या होगा पढ़ के अकल आएगी अकल आएगी हाँ कोई बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा कोई आप जैसे आई ऑफिसर बन जाएंगे आप में से कुछ आई बन जाएंगे तो वो नए नए प्लान्स बनाएंगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा साइंटिस्ट बन गया जैसे कल्पना चावला थी तो उन्होंने पूरे विश्व भर में इंडिया को कितना ज़्यादा इज्जत दिलाई राइट तो पढ़ने से क्या होगा आप कंट्री के लिए बन गए असेट ठीक है ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो आप बेसिकली असेट नहीं भी समझ आ रहा शब्द तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो वैल्यू ऐड कर रहे हो कंट्री के लिए ठीक है ना मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए कोई बहुत फेमस या आपने स्टार्टअप खोल लिया स्टार्टअप खोल लिया उससे क्या कर रहे हो आप बहुत सारे बच्चों को घर बैठे एजुकेशन दिला रहे हो बहुत ही कम दामों में जैसे कि हमारे अलग पांडे सर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तो ये उनको भी कैसे आया जब उन्होंने खुद पहले ज्ञान को प्राप्त किया एंड नाव ही इज एडिंग टू दी कंट्री कैसे बाय ओपनिंग अट्टार्टअप बाय ओपनिंग अ स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द न्यू कैंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री क्या ये कंट्री के लिए वैल्यू एड कर रहे हैं हाँ बिल्कुल जो बच्चा पहले यू पी एस सी की तैयारी नहीं कर पाता था या जेई नीट की तैयारी नहीं कर पाता था वो कर पा रहा है सो ही इज एन अ सेट फॉर द कंट्री So, वो वही आपको समझ आया कि कैसे कब जो पॉपुलेशन है जो जनता है जो लोग हैं वो कब लाइबिलिटी हो जाते हैं और कब असेट हो जाते हैं अब ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल आपकी जो नाइन्थ की एन है वो चल रही है जो बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली ठीक है ना चैप्टर टू पढ़ रहे हैं हम सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कब ये जो पॉपुलेशन है आप कहोगे मैम ऐसा कब होता है कि ये जो देश की जनता है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था ना हमने ह्यूमन रिसोर्स क्या हो चैप्टर वन में तो जितने भी लोग हैं ये हमारे लिए कब रिसोर्स से कैपिटल बन जाएंगे आम सामने हैं हमारे ठीक है जितनी भी पॉपुलेशन है क्या वो सारी की सारी काम की है हमारी और अगर वो सारी की सारी काम की है तो क्या ऐसा हुआ कि सारी की सारी जनता हमारे काम आ रही है या तो उन्होंने कोई बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त करी जिसके रिटर्न्स हमारे को मिल रहे हैं जैसे कि मैं पहले मैंने खुद पढ़ाई करी अब मैं दूसरों को पढ़ा रही हूँ तो क्या हो रहा है इससे एजुकेशन फैल रही है ए, लोगों का उत्थान हो रहा है और कैसे टू अच्छा पढ़ लेते हैं पहले टू कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल कब वो आपके लिए पूंजी बन जाता है बेसिकली आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं बच्चे जी बच्चे ही हमारे लिए पूंजी है क्यों क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड देयर हार्ड अर्न मनी इन यू इन कैसे आपकी फीस देने में कि कल को आप लोग सक्षम बन जाओगे और उनके बुढ़ापे में आप उनका ध्यान दोगे तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते जी बच्चे ही हमारा सब कुछ है बच्चे ही हमारी इन्वेस्टमेंट है बच्चे ही हमारी सारी क्या है पूंजी है राइट सो टू कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल कब आप पूंजी बनोगे इन्वेस्टमेंट इज नीडेड ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल कोई ऐसे मैथ्स का फॉमूला नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ठीक है ना समझने की बात है कि पॉपुलेशन कब हमारे लिए कुछ प्रोडक्टिव करेगी कुछ वैल्यू एड करेगी कंट्री में जब हम उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों से नहीं होती है कि उसको पढ़ा दिया देर आर अदर थिंग्स एज वेल तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो सकती है इन्वेस्टमेंट कैन बी इन फॉर्म ऑफ आइदर एजुकेशन आइदर ट्रेनिंग आइदर मेडिकल केयर भई या तो आप लोगों को एजुकेट करो साथ ही साथ या फिर उनको ट्रेनिंग दो जैसे सारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते सारे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर या एडवोकेट ये सब नहीं पढ़ना चाहते तो ट्रेनिंग होती है वोकेशनल स्केरिंग की उनको आ, वो, वोकेशनल स्किल्स होते हैं जैसे कि उनको आपने ये पंचर रिपेयर करना सिखा दिया इलेक्ट्रिशन का काम सिखा दिया आपने उनको स, आ, ये जो सिलाई बुनाई होती है वो सिखा दिया ट्रेनिंग जो स्किल्स होते हैं उनको ट्रेन किया आपने तब जाके पॉपुलेशन अब अगर आप पॉपुलेशन को स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हो तो वो क्या करेंगे नौकरी मिलेगी अच्छी चीज़ बनाएंगे इससे क्या होगा उनका भी उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा एंड मेडिकल केयर मेडिकल केयर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगी अच्छी अच्छे इंजेक्शन अच्छी, अच्छी दवाइयाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा जनता बार बार बीमार पड़ेगी एक एग्जाम्पल देती हूँ uh, एक टाइम था इंडिया में कि वर्ल्ड की सिक्सटी परसेंट ऑफ पॉपुलेशन पोलियो की कहाँ पे थी इंडिया में और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं नाइनटीन फोर की बात कर रही हूँ कि पूरे विश्व भर में सिक्सटी परसेंट ऑफ द पोलियो केसेस वर इन इंडिया और टू थाउजेंड फोर्टीन तक ही ऐसा कमाल करके दिखाया हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि उन्हें समझ आ रही थी कि बच्चे जो है वो पोलियो के साथ पैदा हो रहे हैं कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं है तो ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ये बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि उनको जो है पोलियो वो ठीक से पहुंच नहीं पाते कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने ऑफिस तक जा नहीं कर पाते उनको जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट को समझ आ गई कि कुछ करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वेयर वो दो बूंद जिंदगी की जो घर घर जा पोलियो ड्रॉप डाली जाती थी जैसे ही बच्चा होता था एंड टू में 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो गवर्नमेंट हैज़ टू तो स्पेंड ऑन मेडिकल मेडिकल केयर एज़ वेल तो ये स्पेंडिंग खर्चा नहीं है जो गवर्नमेंट है ये इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है बच्चों को उन्हें पता है कि कल को अगर ये बच्चे पढ़ लिख गए ना आज हम खर्चा कर रहे हैं इन बच्चों को पढ़ाने में आज हम प्राइमरी स्कूल्स या आंगनवाड़ी खोल रहे हैं उसमें मिड डे मील भी फ्री में आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में बुला बुलाने के लिए एक बेट कहते हैं ना मतलब एक एक मोटिवेशन दिया जाता है कि तुम आओ तुमको स्कूल में खाना मिलेगा मिड डे मील्स ठीक है ना तो इससे जो गरीब जो जो गांव के बच्चे हैं पेरेंट्स भेजेंगे उनको कि भाई जा तेरे तू पढ़ेगा भी और तेरे को खाना भी मिलेगा जाके क्योंकि वहाँ पे गांव में कुछ गांव में इतनी बुरी स्थिति है कि बच्चों के पास दो टाइम खाना भी नहीं है तो पेरेंट्स इस मारे ही भेज देते हैं स्कूल कि जाओ वहाँ एटलीस्ट खाना तो मिलेगा दूध तो मिलेगा पीने को तो गवर्नमेंट को पता है समझ रही है कि भाई आज हम क्या कर रहे हैं आज अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कल को ये सारे बच्चे जब पढ़ लिख के कुछ आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे फिर इन्हें नौकरी मिलेगी और देश के लिए कुछ करेंगे ये राइट सो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में आपकी पूंजी कब बनती है ये जो जनता है जब उनमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है और इन्वेस्टमेंट कैन बी इन दम ऑफ एजुकेशन इट कैन बी इन दम ऑफ ट्रेनिंग इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल केयर ठीक है बेनिफिट क्या है इन्वेस्टमेंट के कुछ फायदे होंगे गवर्नमेंट को दिखता होगा तभी तो वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है इट विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी विच विलीड टू बेटर इनकम अगर एक तंदुरुस्त आदमी एक तंदुरुस्त आदमी जाके नौकरी करने गया है तो वो हो सकता है सात से आठ घंटे इफेक्टिवली काम कर सकता है मतलब उसका जो दिन के एंड में आउटपुट आएगा वो ज़्यादा आएगा इन कंपेरिजन टू अ पर्सन जो बीमार है वीक है लिथार्जिक है ठीक है ना बचपन में बहुत बीमार रहा है वो देखो डेफिशेंसी जाती नहीं है बॉडी से एंटिले बहुत ध्यान रखो ठीक है तो अगर ज़्यादा आउटपुट आएगा उसको अच्छी इनकम मिलेगी ठीक है ना सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू क्या हायर प्रोडक्टिविटी तंदुरुस्त है इंसान तो बढ़िया काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसको पगार भी अच्छी मिलेगी सो हायर प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू बेटर इनकम और बेटर इनकम से क्या होगा <coughs> <coughs> वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जियेंगे हेल्थी अच्छा भी राधर देन आई वुड से दे विल्दी लाइफ ठीक है ना बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे समझ होगी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है राइट इट लीड्स टू बेटर एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो नेक्स्ट पॉइंट यही आ गया तो देख रहे हो कितनी सरलता से चीजें समझाई हुई हैं हमारी एनसीआर में फिर इट लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज भाई अगर आप स्मार्ट इनफ हो आप पढ़े लिखे हो तो आप हर चीज का बहुत आप सिर्फ अपने जॉब में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे आप बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से वाइज तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे जैसे कि अब आप पढ़ लिख गए हो हमको याद है स्कूल में पढ़ाया जाता था कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब जब ज़रूरत नहीं है तो पंखा बंद कर दो ठीक है ना आ, अगर ट्रैफिक लाइट बहुत लंबे ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत लंबी लाइट है तो इग्निशन ऑफ कर दो बोली ना खाना मत वेस्ट करो तो हम क्या कर रहे हैं जब हम पढ़ लिख जाते हैं जब हम पढ़ लिख जाते हैं जब हमें समझ आ जाती है हम दूसरे रिसोर्सेज का जैसे कि खाना हो गया जैसे कि लैंड हो गई जैसे अब 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 जो आजकल की जनरेशन है वॉट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लेस पोल्यूशन मूविंग टूवर्ड्स द लेस पोल्यूटेड वर्ल्ड कि हम ऐसे गैजेट्स यूज करें जिससे लेस पोल्यूशन हो ऐसी गाड़ियां ख़रीदें जिससे पोल्यूशन या फिर फॉसिल फ्यूल ये जो कोल है ये जो पेट्रोल है इसका कम यूज़ हो ठीक है ना तो हम क्या कर रहे हैं दूसरे रिसोर्सेज का भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं एंड इन लास्ट इट लीड्स टू द रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट अगर आप सही हो आप पढ़ लिख गए हो आपकी हेल्थ सही है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी गवर्नमेंट का बोझ कम होता है क्यों क्योंकि अब आप गवर्नमेंट के लिए असेट बन गए हो भाई गवर्नमेंट के ऊपर आप कोई जिम्मेदारी नहीं रह गए हो अदरवाइज अदरवाइज अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो आपकी तबीयत सही नहीं रहती है ठीक है ना क्या हो आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बन रहे हो कैसे जितने ज़्यादा लोग ऐसे होंगे बीमार बिना नौकरी के उतनी गवर्नमेंट को स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी अब स्कीम्स पे बहुत खर्चा होता है गवर्नमेंट जैसे फ्री में फूड ग्रेन्स दे रही है फ्री में वीट दे रही है चावल दे रही है सब्सिडाइज रेट पे तेल दे रही है केरोसिन दे रही है फ्री में इलेक्ट्रिक मीटर्स लगा के दे रही है अरे क्यों ज़रूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को क्योंकि अभी भी हमारे देश में लोग इतने सक्षम नहीं है या उनके पास कोई भी रीज़न उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सक्षम नहीं है कि वो एक एक दो टाइम के अच्छे खाने के लिए उतनी पगार को जुटा पाए राइट बट अगर हम इस चीज से बाहर आ जाते हैं तो इससे क्या होगा गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी सो तो ये बेनिफिट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के अब क्या है आपकी जो एनसीआरटी है उसमें अगर आप आगे चलोगे तो इसमें ना एक बॉक्स में दो दोस्त दोस्तों के बारे में नहीं बेसिकली दो लोगों के बारे में स्टोरी बताई गई है दो लड़के हैं जिनका नाम है एक का नाम है सकल और एक का नाम है विकास ठीक है तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या था तो आपको स्टोरी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको ब्रीफ बता देती हूँ और उसके बाद उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ एक सकल है और एक ये है विलास तो बेसिकली सकल की फैमिली जो है क्या है उनकी जो मदर हैं जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं उनके फादर जो हैं वो आ, खेत में काम करते हैं ठीक है ना इनकी इसके दो भाई बहन हैं एंड इसके जो सकल हैं इसके शायद चाचा या भाई जो हैं उन्होंने मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और इसके पेरेंट्स ने दोनों ने मिलके क्या सकल को क्या दी है एजुकेशन दी उसको पढ़ाया लिखाया अब एजुकेशन दी तो जी आ, उससे उसको अच्छी नौकरी मिली ठीक है ना अब उसको अच्छी नौकरी मिली मतलब अच्छी पगार मिल रही है ठीक है जिससे वो खुद का भी अच्छे से जीवन निकाल रहा है और मतलब अपनी हेल्थ भी अच्छी क्योंकि अब आप अच्छा खा रहे हो दो टाइम या तीन टाइम तो आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी मेंटेन हो रही है ठीक है इसके कंट्रास्ट में इसके कंट्रास्ट में विलास है जिसके जो फादर होते हैं वो नहीं होते हैं बेसिकली फिर इनकी जो मदर है वो फिश बेच के अपना जो है बहुत ही मेगर अमाउंट बहुत ही थोड़ा मोड़ा सा अमाउंट कमा पाती हैं जिससे बहुत ही मुश्किल से उनका घर का गुजारा चलता है और इसके लिए आई थिंक दो भाई बहन हैं जिसमें उसको भी पालना है और क्या होता है विलास के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ सके और ठीक से खाना खा सके तो इसलिए क्या है विला ये जो विलास है ये जो बार बार क्या होता है बीमार पड़ते हैं अब पहले ही पैसे नहीं है ऊपर से और बीमार पड़ रहे हो मतलब फिर से ख़र्चा मतलब आप क्या कर रहे हो और गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो अब आप शुरू से बीमार रहे हो तो अब आपका आप ना पढ़ पाए तो आपको नौकरी भी नहीं ठीक से मिल रही है तो आप विशेष साइकिल ऑफ पावर्टी जिसको गरीबी कहते हैं उसमें ही ये ट्रैप रहता है तो बेसिकली ये समझाया गया है दोनों का कंपैरिजन करके कि देखो किस तरीके से अगर वो बच्चा पढ़ लिख गया तो वो आगे निकल गया उसने खुद के लिए भी अच्छी नौकरी मिल गई और खुद की भी लाइफ उसने अच्छे से सेटल से कर ली और उसके बिल्कुल विपरीत या कॉन्ट्रास्ट में है विलास जो स्टार्टिंग से एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पे इनफ uh, रिसोर्सेज नहीं थे इनफ इनकम नहीं थी कि वो पढ़ पाता वो बिकॉज़ नहीं पढ़ पाया ना ठीक से खा पाया बार बार इस वजह से वो बार बीमार पड़ा बीमार पड़ा तो वो वीक हो गया वीक रहा लाइफ भर तो उसको अच्छी नौकरी भी ब्रेन भी नहीं डेवलप हो पाता तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो भी अपने पेरेंट्स की तरह उसी ट्रैप में फंसा रहा कि भाई फिर से उसको भी बहुत ही ऐसा सा ही काम करना पड़ा जिससे बिल्कुल जो उसका खर्चा है बिल्कुल हैंड टू माउथ मतलब बिल्कुल ठीक ठाक सा ही चले ठीक है ना सो so बेसिकली ये एक विशेष साइकिल बन जाती है मतलब समझ आ एक कि आपके पास एजुकेशन नहीं है ठीक है ना आपके पास एजुकेशन नहीं है या आपके पास अवेयरनेस नहीं है ठीक है ना सो so बेसिकली आप हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे अब आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है ठीक है ना तो मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं ठीक है ना आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर से क्या हो रहा है आप पावर्टी के नियर जा रहे हो अब अगर आप पावर्टी में पैदा हो रहे हो तो फिर से क्या है आपके पास एजुकेशन नहीं है एजुकेशन नहीं है और आपके पास हेल्थ भी नहीं है फिर आप खर्चे ज़्यादा हो रहे हो क्योंकि आप बार बार बीमार पड़ रहे हो और आप इसी तरीके से इस साइकिल में ट्रैप हुए रहते हो जिंदगी भर तो ये समझाने की कोशिश करी गई है ठीक है ना चलिए फिर इसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन किया गया है एक्टिविटीज़ का बेसिकली क्यों एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है क्योंकि यहाँ पे ना सकल और विलास के जो पेरेंट्स हैं जैसे बताया गया था कि यहाँ पे जो सकल है उसकी मदर हाउस वाइफ थी उसके फादर जो है खेत में काम करते थे सिमिलरली जो विलास है उनकी मदर जो थी वो फिश बेचती थी तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं मतलब कंट्री के जो जो काम होते हैं कंट्री में कामों को जो एक्टिविटीज़ होती, होती है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है फर्स्ट कैटेगरी होती है प्राइमरी सेकेंड सेकेंड इज सेकेंडरी थर्ड वन इज टर्शरी तो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है ना उसमें क्या होता है uh, आप यूजअली यूजअली रॉ मटीरियल से रिलेटेड काम करते हो जैसे कि आप एग्रीकल्चर आप एनिमल हजबेंड्री मतलब आप गाय भैंसें पाली हुई हैं आप ने फिश रखी हुई हैं जिसको आप आप बाज़ार में बेचते हो फिर आप जैसे एग्रीकल्चर में भी क्या होता है आप डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रेन्स उगाते हो या फ्रूट उगाते हो एंड देन उसको आप मार्केट में सेल करते हो तो दैट पर्टिकुलर सेक्टर ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर आती है प्राइमरी सेक्टर ये एक्टिविटीज़ नहीं प्राइमरी सेक्टर ठीक है ना तो so, हर कंट्री में बेसिकली तीन सेक्टर्स होते हैं इनफैक्ट अब तो पांच तरीके के होते हैं बट अभी हम क्या आगे नहीं भागेंगे स्टेप बाय स्टेप अभी हम तीन सेक्टर सीखेंगे जब आगे बढ़ेंगे आगे एन में तो उसमें जो दो नए सेक्टर्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर हमारा ठीक है फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है रॉ मटेरियल लिया आपने और उसको आपने एक फिनिश गुड मतलब फिनिश गुड क्या हो गया मतलब आपने एक ऐसे एक नए प्रोडक्ट में बदल दिया जैसे कि आपने शुगर केन लिया मैनुफैक्चरिंग में क्या हो रहा है आप रॉ मटीरियल ले रहे हो मतलब आप शुगर केन ले रहे हो उस पर कुछ प्रोसेस कर रहे हो और उसको एक नए प्रोडक्ट में ही चेंज कर रहे हो जो कि हो गई शुगर ठीक है ना तो हमने क्या किया गन्ने से हमने शुगर के इनसे बना दी शुगर तो हमने क्या करी मैन्युफैक्चरिंग तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए होता है सेकेंडरी सेक्टर ठीक है देन कम्स दी टर्शरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर क्या होता है अब इन दोनों सेक्टर्स को सस्टेन करने के लिए जैसे जो फिशिंग है जो एग्रीकल्चर है इनकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए गाड़ी भाई भले ही मेरे पास खेत है वहां पर मैं सामान बना के बैठ गई हूँ गन्ने उगा के बैठ गई हूँ या आलू या प्याज उगा के बैठ गई हूँ जब तक मैं उसको बेचूंगी नहीं तब तक मेरे पास क्या इनकम नहीं आएगी अब बेचने के लिए मुझे कुछ कुछ हद तक तो मैं अपने गाँव में बेच सकती हूँ अगर मुझे ज़्यादा अगर मेरी उपज बहुत ज़्यादा है तो वो हो सकता है मैं मैं शहर जाना प्रेफर करूंगी और शहर जाने के लिए मुझे क्या चाहिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए मुझे चाहिए ना कोई कोई स्कूटर चाहिए कोई गाड़ी चाहिए कोई वैन चाहिए कोई ट्रक चाहिए जो सामान ले जाके यहाँ से लाद के ले जा सके कहाँ पे ले जा सके शहर तक वहाँ जाके मैं सामान बेच सकूँ ठीक है ना सिमिलरली मुझे गांव में बैंक भी चाहिए कभी कभी हो सकता है मुझे कुछ कुछ पैसे की उधार उधारी चाहिए हो सो ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन दोनों सेक्टर्स को हेल्प करती है या सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो कौन से सेक्टर में आती है वो टर्शरी सेक्टर में आती हैं तो कोई भी कंट्री कोई भी कंट्री चाहे हमारा कंट्री हो चाहे जापान हो चाहे यू हो हर कंट्री में जो एक्टिविटीज़ होती है तीन भागों में डिवाइडेड होती है अभी एन पढ़ रहे हैं वैसे तो पाँच में होती है बट अभी मान लेते हैं तीन में होती है ठीक है तो प्राइमरी हो गया ऐसा सेक्टर जिसमें क्या हो रहा है रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम हो रहा है फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली मैन्यूफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम हो रहा है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करता है राइट सो दैट इज वॉट इज टर्शरी सेक्टर ठीक है जी अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी एनसीआरटी में भी लिखा हुआ है अब जब मैं एफर्ट डाल रही हूँ जब यूपीएससी वाली की इंटायर टीम एफर्ट डाल रही है कि आपको एनसीआर पढ़ा रहे हैं आपकी ड्यूटी है कि इसके बाद भी आप या तो सामने एन सी खोल के बैठो या सेशन खत्म होने के बाद एन सी देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इन तीनों सेक्टर्स में से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से ऐसा कौन सा से सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ये तीनों सेक्टर में से इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में काम कर रही है इंडिया की पॉपुलेशन जो है इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में काम कर रही है ठीक है जी चलो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जी <coughs> अब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ठीक है ना तो एक्टिविटीज दो टाइप की हो सकती हैं एक तो होता है कि आप कुछ बना रहे हो और उसको किसी को बेच रहे हो और आप कुछ दूसरी टाइप की एक्टिविटी होती है बेसिकली <coughs> जहाँ आप कुछ बना रहे हो लेकिन आप उसको खुद को ही कंज्यूम कर रहे हो मान लीजिए वेल तो अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं आर दी द वंस दैट एड टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है कंट्री में मान लीजिए दस किलो केले uh, बन रहे हैं पचास किलो चावल बन रहे हैं तो एनी थिंग विच इज़ एडिंग टू द टोटल प्रोडक्शन पूरे कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें ऐड कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं एक तो होती है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड द अदर वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ एक होती है मार्केट एक्टिविटीज़ दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ मार्केट एक्टिविटीज़ आप कुछ बना रहे हो और उसको बेच रहे हो आप कुछ बना रहे हो और उसको खुद कंज्यूम कर रहे हो जैसे मान लीजिए मैं एक बेकर हूँ तो मैं केक्स बना के बेचती हूँ तो हो गई मार्केट एक्टिविटी क्योंकि उससे मुझे क्या हो रहा है इनकम हो रही है अब मैं केक बना के केक बना रही हूँ तो वही कंट्री के टोटल प्रोडक्शन में तो ऐड हो रहा है ना पहले इस कंट्री में दस केक बनते थे अब बारह बनने लग गए क्योंकि मैं भी दो केक बनाने लग गई हूँ साल में ठीक है ना बट अगर उसके एक को मैं खुद ही खा लेती हूँ मैं तो उसको बेचती नहीं हूँ मैं खुद ही खा लेती हूँ तो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज ठीक है इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसी तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे फिर चैप्टर में बात करी गई है कि पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही एक क्रूशल आस्पेक्ट है क्योंकि क्वालिटी कहते हैं ना आजकल क्वालिटी इज द किंग क्वालिटी से ही सब कुछ डिसाइड होता है तो देश की जनता की क्या क्वालिटी है तुम लोगों की क्या क्वालिटी है विल डिसाइड कि कंट्री ग्रो करेगा कि नहीं करेगा या तुम बोझ बन के रह जाओगे या कंट्री के लिए कुछ करोगे भी जिंदगी में ठीक है ना तो तुम कुछ करोगे जिंदगी में या नहीं या कर, नहीं करोगे नहीं ये तो तुम हमारे खुद पर डिपेंड करता है तुम कंट्री के लिए एक असेट बनोगे या लाइबिलिटी या जिम्मेदारी बन के रह जाओगे इट विल डिपेंड अपॉन इट विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट लिटरेसी रेट कि भाई कितने बच्चों के पास एजुकेशन कितने बच्चों के पास आ, पढ़ने का अवसर और पढ़ने की अपॉर्चुनिटी और अफोर्डेबिलिटी है हेल्थ ऑफ अ पर्सन विल ऑल्सो डिटरमाइन एंड स्किल फॉर्मेशन अच्छा लिटरेसी पे आगे जाने से पहले एक बात बताओ कि लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है ठीक है ना अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लिटरेट हो और मैं आपको बोलूँ आप एजुकेटेड हो क्या ये दोनों चीज़ें एक ही बात है क्या ये दोनों चीज़ें एक ही बात है तो फिर ये दो अलग अलग वर्ड्स क्यों बने हुए हैं आप लिटरेट हो आप एजुकेटेड हो नहीं दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं तो ज़रूर इसका मतलब भी अलग अलग होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका क्या सोचना है और अगर आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में इतनी गहराई से कि अच्छा इन दोनों में भी कोई डिफरेंस हो सकता है तो सोचना क्योंकि क्लैरिटी ही तो चाहिए और क्लैरिटी के लिए तो ये सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं राइट चलो एजुकेशन की बात करते हैं क्यों एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन क्या लेवल ऑफ एजुकेशन है एक कंट्री में दैट विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ दैट कंट्री दैट विल डिसाइड द फेट ऑफ़ द कंट्री जैसे कि मैं आपको बताती हूँ जैसे कि जापान है जापान के पास अपने आप में कोई बहुत नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है जैसे यू है उसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट जापान इज़ वन सच कंट्री जिसके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने किस पे इन्वेस्ट किया उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया लोगों पे किस पे अपने जनता पे उनको पढ़ाया लिखाया और वो अब इतने शाह है कि अब आप देख लो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट मशीनरीज वन ऑफ़ द बेस्ट कार्स कहाँ पे बन रही हैं इट इज़ इन जापान राइट सो एजुकेशन एजुकेशन ही तो थी स्किलिंग ही तो करी थी गवर्नमेंट ने जिसने जापान की जो डेस्टिनी है उसका फेट उसका काया पलट के रख दी सो एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी इकोनोमी क्यों क्योंकि उससे क्या हुआ इट एनहसेज दी ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल ऑफ द कंट्री आप एजुकेटेड हो आप हर काम आप आप हो सकता है आ, अगर आपने नहीं पढ़े लिखे हो तो आप सिंपल कैलकुलेशन टू इंटू थ्री कर रहे हैं या टू इंटू फाइव या टू इंटू टेन करने में भी टाइम लगाओगे ठीक है ना वेयर एज यू नो दमूलाज वेयर एज यू नो दी टेबल्स दू इंटू वन इज टू टू थ्री सिक्स वॉट व क्या हो रहा है ये आपकी एफिशियसी इंक्रीज हो रही है यू आर टेकिंग लेस टाइम तो अभी तक हमने कुछ भी रॉकेट साइंस अच्छा पहले एक बात बताओ कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हम बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे हैं इकोनॉमी टेक्निकल है ही नहीं है टफ सॉरी टफ है ही नहीं है टेक्निकल है थोड़ी सी वो टेक्निकल भी जब तक है जब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर लेते जैसे जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ये बातें आपको शुरू से पता है बिलीव मी स्टूडेंट ये बातें आपको शुरू से पता है अपने आप पर विश्वास रखिए तो पता है ना सीधी बात है अगर हमें अगर हमें हम अगर हमें कंप्यूटर के आना भी वी, वी वी नो हाउ टू रन अ कंप्यूटर फटाफट से कुछ भी गूगल कर लेंगे नहीं पता जाओ फिर किताब देखो उसमें से निकालो आजकल तो और भी एडवांस चीज़ें आ गई हैं चैट जीपीटी क्या है ह्यूमन की तो क्रिएशन है एफिशिएंसी तो बढ़ा रहा है वो लोगों की और और ये तब तक पॉसिबल नहीं होता अगर पीछे एजुकेशन नहीं होती सो एजुकेशन एनहैंस दी ओवरऑल प्रोडक्शन इन दी इकोनमी इट इनहसेज दी कल्चरल रिचनेस हमें पता होगा कि हमारी रूट्स कहाँ बिलोंग करती हैं कैसे बिलोंग करती हैं हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है इट इनहसेज दी कल्चरल रिचनेस इट इनक्रीज दी एफिशेंसी ऑफ दी गवर्नेंस ऑल्सो कैसे गवर्नमेंट कोई सी भी स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसी में चेंजेस लेके आ रही है वो इनइेक्टिव हैं जब तक वो जनता तक नहीं पहुँच रहे मान लीजिए मान लीजिए चलो ठीक है सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ठीक है ना जो संविधान में दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए ना राइट टू राइट टू इक्वालिटी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट ये सब दिया हुआ है राइट टू लाइफ तो मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक मैं सही भी हूँ कि आप में से फिफ्टी परसेंट बच्चा का तो मैं ज्यूम कर सकती हूँ उन्हें पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है क्या लाइफ में ये तो तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें पता चल गया तो गवर्नमेंट ने तो राइट्स बनाए हुए हैं तुम्हारे लिए जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था वहां राइट्स दे दिए गए थे किसके लिए जनता के लिए कि गवर्नमेंट कभी उनको ओवर पावर ना कर पाए इसलिए दिया हुआ है राइट टू लाइफ राइट टू प्रिवेसी कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कभी भी तुम्हारे घर आएगी तुम्हें उठा के ले जाएगी दे नीड टू हाँ, फॉलो सर्टेन रूल्स तो जब तक जब तक तुम्हें एजुकेशन नहीं एजु एजुकेटेड नहीं हो तुम्हें समझ ही नहीं है तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो गवर्नमेंट रूल्स बना के गवर्नमेंट पॉलिसी बना के गवर्नमेंट ये राइट्स बना के भी क्या करेगी और वंस वेन वंस यू आर एजुकेटेड अब तुमसे देखो कोई तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा रात को कि चलो बैठो गाड़ी में तुमको लेके जाएंगे तुम बोलोगे नहीं ये मेरा फंडामेंटल राइट और उठा के ले भी गए तो तुम्हें पता है कि तुमको कौन सी रिट लगानी है तुम्हें कौन सी रिट लगानी है सुप्रीम कोर्ट में लगानी है कि हाई कोर्ट में लगानी है बिकॉज नाउ यू आर अवेयर नाउ यू नो आप एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल स्टूडेंट्स ठीक है ना सो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस एज वेल ठीक है ना इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेके आती है विच इज़ वन ऑफ वन ऑफ विच इज नवोदय विश्वविद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट फिर वोकेशनल स्ट्रीम्स टू इम्प्रूव दी नॉलेज एंड स्किल भाई वोकेशनल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ठीक है ना इंक्रीज इन दी बजट मतलब बजट आउटले अगर आप देखो 1951 जब हमारा फर्स्ट फाइव ईयर फाइव ईयर प्लान्स थे ना अच्छा नहीं पता होगा तो उसके बारे में बात करेंगे आगे जाते हुए ठीक है ना तो जब हमें आजादी मिली थी तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम मा, खर्चा टूवर्ड्स या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वाज 151 फिफ्टी वन करोड़ एंड नाउ यू सी आज से दो साल पहले 2020-21 की बात करें 99,000 करोड़ द गवर्नमेंट इज पेंडिंग 200-300 करोड़ नहीं 99,000 करोड़ तो एक करोड़ ही कितना ज्यादा होता तो नाइनटी नाइन थाउजेंड करोड़ कितने ज्यादा होते हैं आप ये सोचिए ठीक है so, सो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट एजुकेशन में उतनी ही ज्यादा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी होगी जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी होगी तो हम किस में चेंज हो जाएंगे हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं हम ह्यूमन रिसोर्स तो रह नहीं जाएंगे हम किस में बदल जाएंगे हम कंट्री के लिए कैपिटल हो जाएंगे कौन सी कैपिटल हम उनके लिए हो जाएंगे ह्यूमन कैपिटल ठीक है चलो ये देखो ट्रेंड्स इन एजुकेशन सो बेसिकली आपकी एनसीआरटी में एक ग्राफ था कि आप देखो कैसे एजुकेशन लिटरेसी लेवल जो है ईयर बाय ईयर इंक्रीज हुआ है 1951 में, हर दस साल में इन्होंने ट्रैक किया है और यू कैन सी ओवर द द लिटरेसी लेवल द लिटरेसी लेवल हैज इंक्रीज्ड ठीक है जी चलो उसके बाद हेल्थ क्या बात कर रहे थे हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें हेल्थ हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ओनली अ हेल्थी बींग कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली बीमार हो सिर दर्द हो रहा है काम नहीं हो रहा उससे क्या होगा कि भाई कहीं तो मैं दस केक बना लेती थी दस घंटे में अब मैं छह ही बना पा रही हूँ क्यों क्योंकि क्य। क्य। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ क्योंकि क्य। क्य। मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ बार बार छुट्टी अप्लाई करती हूँ सो हेल्थ अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन द एम अच्छा गवर्नमेंट का एम सिर्फ हॉस्पिटल्स खोलना नहीं हेल्थ सर्विसेज खोल के दे देना वो नहीं है समाधान दे शुड बी अफोर्डेबल प्लस एक्सेसिबल ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल खोल दिया लेकिन जब आपको अटैक आ रहा है तो पता चले 200 किलोमीटर दूर खोला है हॉस्पिटल चलो आ, आपके आपके नुक्कड़ में कहती हूँ चलो आपके बिल्कुल बगल में भी डॉक्टर छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खोल दी लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा अगर आप डिस्पेंसरी अफोर्ड ही ना कर पाओ हेल्थ सर्विसेज अगर इतनी महंगी हो इलाज इतना महंगा हो तो एक्सेसिबिलिटी का भी क्या करेंगे तो गवर्नमेंट का एम सिर्फ हेल्थ सर्विसेज़ को एक्सेसिबल बनाना नहीं अफोर्डेबल बनाना भी होना चाहिए कि भाई जाके मैं इलाज जा रही हूँ तो मैं टीका तो लगवा सकूँ मैं जाँच तो करवा सकूँ अपनी राइट कोविड नाइन्टीन के बाद तो इनफैक्ट और ज़्यादा नीड हाईलाइट हुई है क्योंकि कोविड नाइन्टीन ने एक्सपोज किया था हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कि क्या होना चाहिए था और क्या है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोविड वेव आई थी हॉस्पिटल्स भर गए थे बेड कम पड़ गए थे दैट इज वेयर द गवर्नमेंट रियलाइज कि भाई हमारे पास तो सफिशियंट ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है हमारे पास सफिशियंट बेड्स नहीं है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर uh, नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से मरीज को ले जा सके ठीक है हेल्थ नेक्स्ट इज एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की बात तो बेटा बेरोज़गार कौन होता है ऐसी सिचुएशन कि मैं काम करना चाहती हूँ मुझे काम मिल नहीं रहा और चलो ठीक है आप उस पर्सन को किस कैटेगरी में डालोगे कि आपका एक दोस्त है वो काम करना ही नहीं चाहता वो काम करना ही नहीं चाहता बहुत पैसे हैं या पैसे नहीं भी हैं उसकी इच्छा है कि यार मेरे को काम नहीं करना जो है ठीक है मिल जाएगा फ्रूट खा लूँगा पानी पी लूँगा सो जाऊँगा उसको भी बेरोज़गार बोलोगे आप नहीं बेरोजगार सिर्फ वही होता है जो काम ढूंढ रहा है और उसको काम नहीं मिल रहा है दोज विलिंग टू वर्क इच्छा है मेरी काम करने की मैं ढूंढ रही हूँ दस जगह अप्लाई किया हुआ है नौकरी डॉट कॉम एंड मॉन्स्टर डॉट कॉम एंड आई डॉट कॉम बट आई एम नॉट एबल टू गेट दी जॉब सो आई एम अनएम्प्लॉयड या मुझे निकाल दिया निकाल दिया अभी क्या मैं तो काम करना चाहती थी मुझे निकाल दिया तो मैं क्या हूँ मैं बेरोजगार हूँ स्टूडेंट्स अब जैसे जो बच्चे होते हैं जो पंद्रह साल से कम है ठीक है ना तो क्या वो बेरोजगार की कैटेगरी में आएंगे नहीं क्योंकि तो पढ़ रहे हैं वो उनका मकसद ही नहीं काम ढूंढना सिमिलरली पीपल सिमिलरली पीपल बियॉन्ड द एज ऑफ सिक्सटी वो देर ऑल्सो या तो वो काम ढूंढना चाह रहे हो तो अलग बात है यूजली दे आर कंसिडर नॉट कन्सिडर्ड इन कैटेगरी ऑफ बेरोजगार सिमिलरली हमारी जो मदर्स हैं उनको आप बेरोजगार नहीं कह सकते हो क्योंकि दे हैव विलिंगली अडॉप्टेड और ऑप्टेड कि भाई हम घर पे रहेंगे बच्चों का ध्यान रखेंगे घर का काम करेंगे सो so दैट मेरे हस्बैंड बाहर जा सके मेरे बच्चे आए तो उनको मैं खाना खिला सकूं सो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉय सिर्फ वो है अगर आपकी मदर जो है वो काम ढूंढ रही हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है दैट इज अनदर स्टोरी बट इफ शी इज अ हाउस वाइफ हैप्पी सेटिस्फाइड मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन विलिंग टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन देन शी इज नॉट अनएम्प्लॉयड शी इज नॉट बेरोजगार ठीक है ना तो ये क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होनी बहुत जरूरी है कि अनएम्प्लॉयड कौन होता है अब बेरोजगारी के टाइप्स वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन अभी आपकी जो ये वाली एनसीआरटी है <coughs> की इसमें दो ही टाइप की बेरोजगारी बताई हुई है एक होती है सीजनल एक होती है डिस्गइज अच्छा बेरोजगारी जो है ना बच्चे इट कीप्स चेंजिंग ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में एक ही परसेंटेज होगी इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑल्सो ठीक है ना इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब रूरल अर्बन की अलग होगी स्टेट टू स्टेट अलग होगी कंट्री टू कंट्री भी अलग होगी ठीक है ना सो so, ये बात बस इतना ही समझना है हमें अब डीप जाना ही नहीं है आगे क्यों क्योंकि हम सिर्फ एनसीआरटी एन में जितना है उतना पढ़ेंगे हम बस एंड वी आर गुड टू गो अच्छा तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोज़गारी के टाइप की बात कर रहे थे ठीक है ना एक होता है सीजनल एक होता है डिजगाइड सीजनल क्या होता है मेरे पास साल के कुछ कुछ पोर्शन के लिए ही काम है मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आइसक्रीम बेचने वाले कुल्फी बेचने वाले होते हैं कुल्फी सबसे ज़्यादा कब बिकती है समर्स में विंटर में तो मन ही नहीं करता कुल्फी देखने का भी उस टाइम तो हमें चाहिए होता है गाजर का हलवा या कोई गरम गरम चीज़ मिल जाए है ना सो बेसिकली इफ़ यू सी जो आइसक्रीम वो जो क्रीम बेल वाले या क्वालिटी वॉल्स वाले वो जो साइकिल पे बेच रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको कब दिखते हैं मतलब उनका जो काम है इट इज़ लिमिटेड टू इट इज़ लिमिटेड टू क्या इट इज़ लिमिटेड टू सम पर्टिकुलर सीज़न जैसे जो कूलर होता है कूलर की दुकान पर सबसे ज़्यादा रश कब होता है आपको लगता है विंटर्स में जाकर कोई कूलर खरीदता होगा तो मतलब कूलर की दुकान सेल्स कौन से टाइम में रहती होगी समर टाइम में दैट इज़ वॉट इज सीजनल वर्क पतंगे होती हैं पतंगे बनती हैं दिल्ली में पतंगे उड़ती हैं पंद्रह अगस्त टाइम पे राजस्थान की एक बेल्ट की बात करो तो वहाँ पे जो पतंगे उड़ती हैं जनवरी अराउंड बाकी के पूरे साल जो पतंग बनाने वाले हैं वो क्या हैं बेरोजगार क्यों क्योंकि उनकी डिमांड बस साल में वो एक दो महीने जब पतंगे उड़ती हैं तभी होती हैं बाकी के टाइम क्या है वो बेरोजगार बैठे हैं दैट इज़ वाट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आप पूरे साल बेरोजगार नहीं हो आप साल के कुछ टाइम के लिए बेरोज़गार हो क्यों क्योंकि आपका जो काम है वो ऐसा है कि उसकी सीजनल ही डिमांड है आपका काम ही ऐसा है कि उसकी सीजनल डिमांड है जैसे इसका एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है दो दो टाइप के सीज़न होते हैं सोइंग के खारिफ एंड राबी क्रॉप के दो सीज़न होते हैं जोग्राफी में बड़ा होगा खारिफ क्रॉप्स होते हैं राबी क्रॉप्स होते हैं ख़ारिफ होते हैं मॉनसून अराउंड राबी होते हैं ये विंटर वाले तो अब जो फार्मर है खारिफ क्रॉप्स उगा रहा है अब उसने उगा दिए ठीक है।, है ना अब नेक्स्ट उसको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा खारिफ क्योंकि वो तो सिर्फ ख़ारिफ क्रॉप्स की खेती करता है तो उसके पास साल में सिर्फ छः टाइम का छह महीने काम है बाकी के महीने उसके पास काम जो है नहीं है ठीक है जी आया एग्जाम्पल समझ ठीक है दूसरा होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज मतलब छुपी हुई आपको लग रहा है कि आप इम्प्लॉयड हो आपको लग रहा है आपके पास काम है आपके पास एक्चुअल में है नहीं है कैसे मान लीजिए एक ये लैंड है ठीक है ना ये लैंड का टुकड़ा है इसको अगर दो इस पर दो लोग काम करें तो भी वो दस किलो से ज़्यादा दस किलो से ज़्यादा मान लीजिए जो राइस है वो नहीं उगा सकते क्यों क्योंकि इतने एरिया में सिर्फ दस किलो चावल ही उग सकता है ठीक है अब ये हस्बैंड वाइफ थे अब इनका जो बेटा है वो भी बड़ा हो गया उन्होंने बोला भाई मैं कहाँ काम करूँ पापा उसने बोला भाई खेत है हाँ यहाँ आ यहां आजा। चलो जी अब बेटा भी यहाँ काम करने लग गया तो मतलब इस खेत इस खेत पर जो ये छोटा सा खेत था उस पर तीन लोग काम करते हैं ठीक है ना तो मैंने बोला चाहे कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो इस इस लैंड में दस किलो से ज़्यादा चावल नहीं उग सकता तो तीन लोग काम करें या तीस लोग काम करें या दो लोग काम करें या एक दस किलो चावल ही उग पाएगा क्यों इतनी कैपेसिटी इस लैंड की तो कहने को तो इस थर्ड जो ये बच्चा था ये जो ना इसको नाम रख देते हैं मान लीजिए ए एन बी पेरेंट्स हैं और ये सी उनका जो चाइल्ड है उसके उसके पास कहने को दुनिया को दिखाने के लिए तो नौकरी है बट उसके काम करने से ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा सो वेन वेन यू आर नॉट एडिंग टू दी टोटल आउटपुट टोटल आउटपुट पर थोड़ी आप काम ये हो सकता है कि भाई इन दोनों को कम काम करना पड़े क्योंकि भाई बेटा भी साथ में काम कर रहा है पहले दिन में आठ घंटे काम करते थे अब ये भी आ गया तो अब मान लो सब पाँच पांच घंटे मिलजुल के काम कर लेते हैं काम खत्म हो जाता है बट क्या प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हुआ वो तो हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि लैंड की कैपेसिटी हो दस किलो से ज्यादा चावल उस पर उग नहीं सकता या उगा ही नहीं सकते ठीक है ना सो दिस सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये जो बेरोजगारी होती है इसको कहा जाता है छुपी हुई है आपको दिखाने के लिए हाँ जी काम करता है हमारा बेटा खा खेत है ना वहां पे काम करता है अरे उसके काम करने से कुछ अलग हो रहा है क्या नहीं हो रहा तभी पहले भी दस किलो था अब भी दस किलो है एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ही है क्यों क्योंकि गांव में क्या है वहां पे तो फैक्ट्रीज नहीं है वहां पे तो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं है वहाँ पे मेजॉरिटी या एकमात्र सोर्स क्या है खेती बाड़ी करना अब एक ही खेत पे दस घर के दस दस लोग काम कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनके पास कुछ और काम ही है कुछ कुछ लोग हाँ ठीक है वो मुर्गी पालते हैं मतलब जिनके पास वो जो एग एग फार्म होते हैं या एनिमल वो जो गाय भैंसों का काम होता है बट मेजॉरिटी लोगों के पास क्या है भाई खेत खेत है अपने उसमें काम कर रहे हैं अब दस लोग घर के दस लोग हैं दस के दस खेत पे काम कर रहे हैं तो उनके दसों के दस से काम करने से कुछ थोड़ी आ, आ, ऐसा थोड़ी है कि वो खेत में ज़्यादा आलू उगने लग जाएंगे या आ, प्याज उगने लग जाएंगे नहीं लैंड की अपनी एक लिमिटेशन है कि भाई इतना ही उगा सकते हैं इसके ऊपर राइट सो सच एन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज कॉल्ड और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड वॉट इट इज़ कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड डिजगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द एग्रीकल्चर ठीक है चलो अब हमारा जो ये चैप्टर टू भी ख़त्म हो गया कितनी आसानी से कितनी प्यार से हो गया अब हम चलेंगे चैप्टर थ्री की तरफ चैप्टर थ्री में हम बात करेंगे पावर्टी के बारे में चार ही चैप्टर थे टोटल हैं देखिए ना एनसीईआरटी रखी हुई है सामने पहला चैप्टर था जिसमें हमने पालमपुर के बारे में बात करी थी जो सेकेंड चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स अब हम बात करेंगे पावर्टी के बारे में फिर हम चलेंगे फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर थ्री है चैप्टर थ्री में हम बात करने वाले हैं बेसिकली पावर्टी के बारे में कि पावर्टी होती क्या है सो so, मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन से कौन से डायमेंशनस को टच करने वाले हैं जिससे आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए ठीक है ना सबसे पहले तो बेसिकली पावर्टी होती क्या है ठीक है ना

क्या स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ तो मेजर्स लिए होंगे टू एलिवेट और रिमूव द सिचुएशन ऑफ पावर्टी तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स तो उसके बारे में बात करेंगे ज़्यादा डीप में जाना नहीं है क्योंकि नाइन्थ स्टैंडर्ड की एन है इसमें सिर्फ आपको एक कहते हैं ना एक पासिंग रेफरेंस दिया हुआ है चीज़ों का सो so दैट आपको बाद में जो है चीज़ें हैं ईजीली समझ आ जाए तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अभी से कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे नहीं भाई और वैसे भी आप तो यूपीएससी पी हो थोड़ा तो आपको अपना जो दिमाग के घोड़े हैं वो दौड़ाने पड़ेंगे राइट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि कि वॉट इज़ पावर्टी सो बेसिकली पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है वे देर इज़ हंगर जहाँ पे भुख मरी है एंड ना रहने को घर है ना खाना है खाने को और ना uh, रहने के लिए घर है इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट दिस यू डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप अगर बीमार हो तो आप हेल्थ सर्विसेज जैसे कि आप हॉस्पिटल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हॉस्पिटल छोड़िए आप बेसिक मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते ठीक है ना आप एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सो दैट इज ऑल वॉट इज अबाउट पावर्टी एक बार अगर हम देखें कि बुक में क्या लिखा है सो वेयर द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर स्कूल टू द चिल्ड्रन मान लीजिए किसी घर में दो किसी घर में दो टाइम का खाना तो है लेकिन जब वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए पैसे नहीं है दैट ऑल्सो कम्स अंडर पावर्टी अब आप कहोगे मैम अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिनके पास खाना नहीं है और मकान नहीं है तो so, स्टूडेंट्स ये जो पावर्टी की डेफिनेशन है ना यू हैव टू अंडरस्टैंड ये इवॉल्व कर रही है ठीक है ना अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे ये कंट्री इवॉल्व हो रही है लाइफ इवॉल्व हो रही है हमारी डिमांड्स जो है बढ़ती जा रही है कैसे कभी किसी ने सोचा था कि एक किसी जमाने में जो इंटरनेट है जो इंटरनेट है वो एक बेसिक हो जाएगा सर्वाइवल के लिए ठीक है ना तो हो सकता है आगे जाते हुए पावर्टी की डेफिनेशन में ये भी डाल दिया जाए कि डोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट वो भी पावर्टी की कैटेगरी में आते हैं राइट पहले क्या था सिर्फ बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स होती थी लोगों की बहुत ही प्रिमिटिव नीड्स होती थी कि भाई एक घर मिल जाए रहने को और या छत मिल जाए रहने को और हमारे पास दो टाइम खाना हो खाने को बस इतना हो जाए तो बस जिसके पास वो नहीं है वो पुअर है आज की अगर हम बात करें तो जिसके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है एजुकेशन नहीं है इंटरनेट नहीं है और मे uh, बी उनके पास उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं है कि उनकी भी कुछ कहीं पे सुनी जा सके या वो भी कहीं पे वोट को डाल सके ठीक है ना सो दे कम अंडर दी पावर्टी दे हैव नो एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन मोस्ट केसेस दे लैक रेगुलर जॉब टू उनके पास बारह महीने काम नहीं है कभी है कभी है नहीं है सो so, ऐसी कैटेगरी ऑफ लोग जो होते हैं तो आप कहोगे मैम मान लीजिए कि मैं एमएनसी में काम करता था कोविड आया एंड उसके बाद आ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो बीच में बस पांच महीने जॉब नहीं थी तो क्या मैं भी पावर्टी लाइन के अंडर हूँ या मैं भी पुअर हूँ नई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है देर आर मेनी फैक्टर्स ऐसा सिर्फ़ एक फैक्टर के बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो आप क्या है आप पावर्टी लाइन के अंडर है या पुअर है मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है कि भाई आपके पास खाना भी नहीं है या आपको नहीं पता कि इस हफ़्ते आपको खाना मिलेगा अगले हफ्ते आपको खाना नहीं मिलेगा दैट इज़ दी सिचुएशन ऑफ पावर्टी तो इसके बेसिस पे मतलब अपने आपको मत बोलने लग जाएगा मम्मी पापा को कि मम्मी मेरे पास नहीं है तो क्या मैं पुअर हूँ या मैं पावर्टी लाइन के अंडर हूँ नहीं यू हैव समन टू टेक केयर ऑफ यू इन योर फैमिली ठीक है ना सो दिस इज अबाउट पावर्टी ठीक है ना अब आगे चलते हैं कि अब जैसे कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया था बेसिकली मैंने आपको कहा था कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं ठीक है ना तो जस्ट आपको छोटा 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 चीज़ें समझाएंगे और नाइन्थ की जो एन हमारी रैप अप करेंगे सो बेसिकली पावर्टी की क्या है पावर्टी पहले बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट होती थी रोटी कपड़ा मकान लेकिन आजकल रोटी कपड़ा मकान से नहीं होता हमें uh, अच्छे अपने बर्थडेज भी बनाने हैं क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ अपडेट करनी है आजकल हमें हमें क्या फील होने लग गया है इंस्टाग्राम देख देख के दूसरों की पिक्चर्स देख के कि लाइफ इज़ पिक्चर परफेक्ट ठीक है ना अगर हमें भी ऐसे हॉलीडेज़ या वर्क uh, फ्रॉम uh, या वो जो क्या बोलते हैं उसको है आई एम फॉरगेटिंग दैट कॉन्सेप्ट जो वे वर्क फ्रॉम माउंटेन्स नहीं मिल रहा या वर्क फ्रॉम बीच नहीं मिल रहा तो हम भी बहुत ही पता नहीं हमारी लाइफ में हमारे हाथों से क्या निकल गया है या हम कितने पिछड़े हुए हैं ऐसा नहीं है ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है बट येस uh, yes, तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ कि ना लाइफ इवॉल्व कर रही है दुनिया इवॉल्व कर रही है बढ़ रही है तो डिमांड्स आगे से आगे इवॉल्व हो रही है बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है एंड जो हम जिसको कहते हैं कि जिस जिस जिन चीज़ों को हम बेसिक नेसेसिटीज़ की कैटेगरी में डालते थे वो अब और ब्रॉड होती जा रही है कि पहले के जब हम पावर्टी की बात करते थे तो उसमें एक्सेस टू क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट्स ये सब नहीं आता था होता था कि भैया हमारे पास खाने को खाना है रहने को छत है और पहनने के लिए दो कपड़े हैं उतना ही बहुत है बट विद टाइम पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड या हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल ठीक है ना क्या होता जा रहा है मल्टी डायमेंशनल लिख लीजिए ये चीज़ें आपको ये जो आप वर्ड है ना मल्टी डायमेंशनल पावर्टी ये आप थ्रू आउट आगे अपनी प्रिपरेशन चाहे कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और या नहीं भी कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ोगे ही पढ़ना भी चाहिए आपकी थ्रू आउट योर लाइफ तो ये वर्ड आप पढ़ते रहोगे कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी क्योंकि पावर्टी की एक डायमेंशन नहीं है पावर्टी को हम एक डायमेंशन से नहीं देख रहे हैं हम मल्टीपल डायमेंशन से क्या है पावर्टी को देख रहे हैं सो अर्लियर पावर्टी वॉज सीन फ्रॉम अ लिमिटेड लेंस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन आपके पास कंजम्पशन के लिए थोड़े से पैसे हैं और आपके पास इनकम है खाने के लिए बस उतना बहुत है बट नाउ साइंटिस्ट जो हैं दे हैव दे सी पावर्टी इन द फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन मान लीजिए मान लीजिए कि आप uh, नहीं आप, आपके लिए क्यों बोले हम ये बात ठीक है ना मान लीजिए कोई पर्सन है जो गरीब है ठीक है ना डू यू थिंक उसको हायर सोसाइटी uh, के लोग अपने साथ बिठाना पसंद करेंगे या वो सोसाइटी में मूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा सो दैट पर्सन विल फील सोशली एक्सक्लूडेड सोशली एक्सक्लूडेड मतलब वो फील नहीं करेगा दे दैट पर्सन विल नॉट फील दी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप है ना सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर पावर्टी तो यही बात समझाई गई है कि पावर्टी जो अब है एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता जा रहा है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की अवेलेबिलिटी तक अब जो है वो सीमित नहीं है ठीक है फिर उसके बाद हम कैसे डिसाइड करते हैं आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम कैसे पावर्टी डिसाइड करती कि ये पर्सन जो है ये पावर्टी लाइन में है और ये पर्सन जो है ये पावर्टी लाइन में नहीं है मतलब ये पुअर नहीं है दे आर लिविंग अ गुड लाइफ और दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ ठीक है ना सो so बेसिकली सबसे पहले हमें समझने की जरूरत पड़ेगा कि उसके लिए हमें पावर्टी लाइन कैलकुलेट करनी पड़ती है और पावर्टी लाइन कोई एक एक, 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 एक लाइन नहीं है जो जो बनी हुई जैसे इक्वेटर है इक्वेटर भी क्या है एक इमेजिनरी लाइन है ठीक है ना सो सिमिलरली पावर्टी लाइन भी इक्वेटर की तरह एक इमेजिनरी लाइन कैलकुलेट करी जाती है और जो लोग उससे ऊपर होते हैं दे आर अबव दी पावर्टी लाइन और जो लोग उससे नीचे होते हैं मतलब इसको गरीबी रेखा कहा जाता है तो जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनको बोला जाता है कि भाई वो गरीबी रेखा के भी नीचे हैं और इनको अभी गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है क्यों क्योंकि वो हो सकता है दो टाइम खाना भी अपने लिए अरेंज ना कर पा रहे हो सो इट इज़ एन इमेजनरी लाइन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज़ एक्सेप्टेड मिनिमम मिनिमम सोशल नॉर्म्स तो बेसिकली ये जो पावर्टी लाइन होती है ना मैं आपको समझाती हूँ इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है बहुत सिंपल सी बात है देखो गवर्नमेंट uh, क्या करती है गवर्नमेंट उन चीज़ों को उसकी लिस्ट बनाती है जो हमें डेली बेसिस में कंजम्पशन के लिए चाहिए जैसे हमें रोज़ के बेसिस पे क्या चाहिए हमें वेजिटेबल चाहिए हमें मिल्क चाहिए ठीक है ना हमें कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ घी या ऑयल भी चाहिए राइट right? <coughs> फिर हमें फूड ग्रेन्स चाहिए जैसे कि हमें राइस चाहिए हमें वीट चाहिए ठीक है ना तो एक पर्सन के लिए एक महीने में एक पर्सन के लिए वन पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है एक पर्सन के हिसाब से उसे एक महीने में कितना ऑयल कितनी वेजिटेबल कितना मिल्क कंज्यूम करना चाहिए उसका टोटल लगाया जाता है मान लीजिए आ जाता है टेन के जबकि टेन के नहीं है ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ टेन मान लीजिए टोटल का आ जाता है टेन के या टेन यूनिट्स उसको इनके प्राइस से इंटू कर दिया जाता है ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है सिर्फ समझा रही हूँ बेसिकली क्या है इन सारी चीज़ों का प्राइस निकाल लिया जाता है कि भाई अगर महीने में कोई व्यक्ति या कोई इंसान ये ये चीज़ें कंज्यूम करेगा तो उसका कितना खर्चा होगा ठीक है ना या कितनी कैलरीज कितनी कैलरीज उसको एक महीने में कंज्यूम करने की ज़रूरत है तो चौबीस 2400... <coughs> तो 2400 कैलोरीज चाहिए रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज चाहिए अर्बन एरियाज़ में मतलब अगर कोई एडल्ट है जो रूरल एरिया में रह रहा है उसको उसको रोज़ के बेसिस पे उसको सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले महीना बोल दिया था नहीं ऐसा नहीं है सो जो एक एडल्ट है उसको डेली बेसिस पे रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज कंज्यूम करने की ज़रूरत है और अर्बन एरिया में अगर कोई एडल्ट रह रहा है तो उसको एवरी सिंगल डे के बेसिस पे 2100 कैलोरीज कंज्यूम करने की ज़रूरत है अब ये 2400 कैलोरीज रोज 300 दिन खाएगा ठीक है ना कंज्यूम करेगा तो उसके लिए, उसके लिए कितना खर्चा लगेगा उसके लिए कितना खर्चा लगेगा अर्बन एरिया में पर मंथ हज़ार रुपये और रूरल एरिया में आठ सौ सोलह रुपये पर मंथ ठीक है ना फिर से समझा देती हूँ देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हम कौन सी चीज़ें डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं बेसिक मिनिमम आप कहोगे मैम हम तो बादाम भी खाते हैं लड्डू भी खाते हैं नहीं वो नेसेसिटी नहीं है वो वो आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है वो लग्जरी है जो आपको मिल रही है ठीक है ना हम वो आइटम्स गवर्नमेंट वो आइटम्स निकालती है भाई जिसके बिना जैसे कि सॉल्ट है जैसे कि चीनी है जैसे कि आटा है जैसे कि तेल एक मिनिमम सर्टन अमाउंट ऑफ ऑयल उसको निकालती है उससे पता चलता है कि भाई एक ह्यूमन को कितना कंज्यूम करना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके वो ठीक से जी सके काम कर सके तो जी पता चला कि रूरल एरिया में अगर कोई एडल्ट है उसको 2400 कैलोरीज एवरी सिंगल डे चाहिए और अगर कोई अर्बन एरिया में व्यक्ति या इंसान है उसको 2100 कैलोरीज पर डे बेसिस पे चाहिए अब उसको ख़रीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे अगर वो तीसों दिन इतनी कैलरीज कंज्यूम कर रहा है हज़ार रुपये महीना इन अर्बन एरिया आठ सौ महीना इन रूरल एरिया राइट अब आप कहोगे मैम 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया क्यों क्योंकि ये माना जाता है कि रूरल एरिया में जो वहाँ पे एडल्ट जो वहाँ के लोग हैं उनका ज़्यादा फिज़िकल लेबर वाला काम होता है सो दे नीड मोर कैलरीज़ बट आप कहोगे मैम यहाँ पे प्राइस कम क्यों आ रहा है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि गाँव में गाँव में विलेजेस में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ तो इसलिए सिटी में कम कैलरीज कंज्यूम करने पे ज़्यादा खर्चा आ रहा है बट ये आप सोचो इस परेशान मत होना अगर वैसे इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात थी नहीं बट इन एनी केस ठीक है तो इसके बेसिस पे इसके बेसिस पे डिफ़ाइन होता है अगर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन पूरे महीने में अर्बन एरिया में ठीक है ना रह के हज़ार रुपये महीना भी खर्च नहीं कर पा रहा है हज़ार रुपये महीना भी अपने रहने खाने पे खर्च नहीं कर पा रहा है तो इसका क्या मतलब है वो जो पर्सन है वो क्या है बिलो पावर्टी लाइन है क्यों क्योंकि हज़ार रुपये पर मंथ इज़ दी पावर्टी लाइन इन दी अर्बन एरिया एंड एट वन सिक्स इज़ दी पावर्टी लाइन इन दी रूरल एरिया ठीक है ना अगर कोई पर्सन उसके नीचे है सो दैट इज़ द पर्सन विल बी कॉल्ड एज बिलो पावर्टी लाइन एंड एज अभी जैसे अभी अभी हमें पता चला कि दिस लाइन वेरीज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस येस अर्बन एरिया की रिक्वायरमेंट अलग है रूरल एरिया की रिक्वायरमेंट अलग है सो दिस दिस लाइन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट जब एक स्टेट में रूरल एंड अर्बन में है तो स्टेट टू स्टेट भी डिफर करेगी ठीक है ना प्लस ये कंट्री टू कंट्री भी डिफर करती है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में गाड़ी होना इज़ नॉट अ लग्जरी इंडिया में अगर आपके पास गाड़ी है मतलब आप धनवान हैं आपके पास पैसा है आपके पास लग्जरी है बट इन देर देर आर सर्टन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका अगर आपके पास वहाँ गाड़ी इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि भाई कोई बहुत लग्जरी आइटम आपको वहाँ पे से आंखें खोल के नहीं देखा जाएगा वहाँ पे दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटी राइट तो ये हो गई हमारी पावर्टी लाइन चलते हैं ठीक है ना अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर्टी या एस्टीमेट्स लगाते हैं भाई पावर्टी लाइन कैलकुलेट कर ली गई इंडिया में जैसे जैसे आप यू में और डीप डाउन जाएंगे ना बच्चे लोग जब आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पावर्टी लाइन किस तरीके से कैलकुलेट करी गई किन किन लोगों ने करी फिर उसके बाद क्या चेंजेस आए कैलकुलेशन ऑफ पावर्टी लाइन में ओवर द ईयर्स बट ये अभी हमारे उसके अभी हमारे मतलब की चीज़ नहीं है क्योंकि अभी हमारा सिर्फ फोकस है नाइन्थ की जो एन है उसमें जितने बताए गए कॉन्सेप्ट उसको कवर कर लेना ठीक है ना तो अब हमने पावर्टी लाइन कैलकुलेट कर ली थी ठीक है ना कैसे कैलकुलेट करनी है ये सब हमें नहीं जाना क्योंकि ये तो आगे अभी हम सिर्फ नींव अपनी जो है स्ट्रांग कर रहे हैं एक बार जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं जो आपने कभी भी शायद हो सकता है पहले इतना सोचा ना हो या उनके ऊपर इतना गौर ना फरमाया हो बस उनको पढ़ेंगे समझेंगे ताकि जब आगे इनके ऊपर फर्दर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बारी आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए ठीक है अब पावर्टी के एस्टिमेट्स की भाई कितने लोग पुअर हैं या किस कैटेगरी के लोग पुअर हैं या किस कैटेगरी में लोग ज़्यादा पुअर हैं सो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर्टी या एस्टीमेट्स ऑफ़ पावर्टी द पावर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड सर्टेनली मतलब हमारे जो गवर्नमेंट का डेटा है वो ये कहता है कि भाई पावर्टी जो है सर्टेनली रिड्यूस हुई है ओवर दी टाइम जब हम हमारे देश को आज़ादी मिली थी कब मिली थी आज़ादी 1950 में नहीं 1947 में तब की सिचुएशन और तब की स्थिति और अब की स्थिति के अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें या बात करें कंपेयर करके तो तब जो हमारी कंट्री में पुअर या पावर्टी लाइन uh, से नीचे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे क्यों क्योंकि आपको पता है देर आर ऑब्वियस रीजन ब्रिटिशर्स आए सब लूट खसोट के खींच खाच के ले गए हमारे से हमारे एग्रीकल्चर को हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बुरी हालत में छोड़ गए तो लोगों के पास उस टाइम पैसा नहीं था तो उस टाइम जो लोग थे वो ज़्यादा थे पावर्टी लाइन के अंडर एज़ कम्पेयर टू नाउ क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट सत्तर सालों में बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन बहुत सारी सब्सिडीज लेके आया जिससे लोगों का क्या हो सके उत्थान हो सके उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सके ठीक है ना अब हम बात करते हैं तो ये तो हमने ब्रॉडर पॉइंट समझ लिया कि पहले जब हमें आज़ादी मिली थी उसके कंपेरिजन में इनफैक्ट आपकी जो एन है उसमें पूरा डेटा भी कोट किया हुआ है कि पावर्टी रेशियो अगर हम 1993 की बात करें तो तकरीबन 50 परसेंट रूरल पॉपुलेशन पावर्टी के अंडर थी फिर धीरे धीरे 42 अब की अगर बात करें लास्ट जो हमारा डेटा कलेक्ट हुआ था 2011-12 में तो रूरल एरिया में अब सिर्फ 26 परसेंट लोग सिर्फ 26 परसेंट लोग क्या हैं पावर्टी लाइन के नीचे हैं ठीक है चलिए जी अब अगर हम बात करें कि ये तो हमने बात कर ली ओवरऑल पॉपुलेशन की अब अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में ज़्यादा लोग आ, पावर्टी लाइन के अंडर हैं या इट इज़ इक्वली स्प्रेड नहीं ऐसा नहीं है अगर हम सोशल कैटेगराइजेशन सोशल कैटेगराइजेशन हम किस बेसिस पे करते हैं हम कास्ट के बेसिस पे करते हैं एक तो जनरल होते हैं एक ओ होते हैं शेड्यूल कास्ट होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं तो पता लगा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो पावर्टी के वल्नरेबल है वल्नरेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स प्रोन होना जैसे मान लीजिए प्रोन का कैसे मतलब समझाऊं मैं आपको कि आप आपकी बॉडी अगर वीक है या जैसे जब कोई बेबी होता है ठीक है ना तो कितना वीक और फ्रेजाइल होता है सो दैट बेबी इज़ मोर प्रोन टू डिजीजेस क्यों क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है या जब आप वीक होते हो यू आर मोर प्रोन टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़ और कॉन्ट्रैक्ट कोल्ड एंड कफ क्यों क्योंकि अभी आप क्या हो वीक हो तो अगर हम पावर्टी की बात करें हु आर दोज पीपल हु आर मोर प्रोन कि वो जल्दी से पावर्टी लाइन में स्लिप कर जाएंगे सो so, अगर हम सोशल कैटेगराइजेशन मतलब सोशल कैटेगराइजेशन किसके बेसिस पे होता है सोशल हम इसमें कास्ट के बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज करते हैं अगर कास्ट के बेसिस पे लोगों को कैटेगराइज करें तो जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है दे आर मोर वलनरेबल टू पावर्टी हम इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन में हम इनकम लेवल के बेसिस पे इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन किसके बेसिस पे करते हैं हम इनकम के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करते हैं लोगों का और उसमें अगर हम बात करें तो जो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर है रूरल एरिया में रूरल मतलब गाँव में जो एग्रीकल्चरल लेबर है एंड हाउस होल्ड्स एंड एग्रीकल्चरल कैजुअल लेबर्स आर मोस्ट वेलनरेबल ठीक है ना ऑल्सो दे इज इनक्वालिटी इन इनकम्स विद इन अ फैमिली ऑल्सो एक ही फैमिली के लोग हैं उसमें भी पावर्टी में डिफरेंस होता है क्यों और कैसे सोच के देखो क्या जितने पैसे आपके पापा के पास होते हैं उतनी फाइनेंशियल लिबर्टी आपकी मदर के पास होती है या जितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपके पापा के पास है उतनी आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास है नहीं जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो उनके जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो क्या होती जाती है वो स्क्वीज़ होती जाती है तो जो ये इनक्वालिटीज़ है ये पूरी सोसाइटी नहीं बल्कि एक फैमिली के अंदर भी जो है एग्जिस्ट करती है बस इतना सा समझना है इससे ज़्यादा अभी आपको और डीप में नहीं जाना है कॉजेज़ क्या होते हैं पावर्टी के तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो बहुत अगर आप अगेन आपको पता है कि इसके रूट कॉज कहाँ हैं सोच के देखो so, एक टाइम पे तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था अब अगर उसको सोने की चिड़िया कहा जा रहा है इंडिया को अगर सोने की चिड़िया कहा जा रहा है तो क्या हुआ कि अचानक से जो सोने की चिड़िया है उसका यह हालत हो गया कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो रूरल एरिया में ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोग पावर्टी लाइन के अंडर थे क्यों क्योंकि ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया क्यों क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे और जो टैक्स वसूल करते थे उससे एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं करते थे बल्कि सारा पैसा अपने कंट्री में वापस भेज देते थे यहाँ आके उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया क्यों क्योंकि वो चाहते थे कि बाहर से बने गुड्स आएं जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के हैं और यहाँ के लोग उन्हीं को खरीदें और इंडियन हैंडी को पसंद ना करें ठीक है ना फिर उसके बाद डिटोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था हमारी कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पैसा ही नहीं खर्च किया फिर उसके बाद उस टाइम ऐसा था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी जागरूकता नहीं थी तो जो पॉपुलेशन रे जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा था तो अब आप कहोगे मैम पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम आप सोचो आपके घर में पहले ही इनकम नहीं है और अगर आपके पाँच छः बच्चे हो जाएं तो कैसे पालोगे उसके कंपैरिजन में कि अगर आपके घर में पहले ही कम इनकम है तो आप ज़्यादा बात है तो एक बच्चे दो बच्चे हो जाएँ ताकि वो अच्छे से पल जाएँ पहले क्या हो रहा था अवेयरनेस नहीं थी लोगों को लगता था कि हम ज़्यादा बच्चे करेंगे फिर जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमारे लिए उतनी इनकम लाएंगे बट दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड कि उनको बड़ा करने के लिए भी जो पाँच या छः या दस बच्चे हो गए हैं उनको बड़ा करने के लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए उनको खिलाने पिलाने के लिए उनमें से कोई बीमार हो जाता था तभी तो उस टाइम ऐसा होता था, था कि बच्चे बीमार पड़ते थे पैसे थे नहीं और वो जो है मर जाते थे ठीक है ना तो उस टाइम क्या था पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो भी बहुत हाई था एंड अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेस क्या आपको लगता है कि हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं बिल्कुल भी नहीं आ, कुछ स्टेट्स आर वेरी रिसोर्स रिच वेराज कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अभी भी बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं रीज़न चाहे कुछ भी हो सकता है उनकी डेमोग्राफी ऐसी है टोपोग्राफी ऐसी है उनका जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है बट येस वी कैन कंक्लूड दैट कि भाई जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसके चक्कर में क्या है कुछ कंट्री सॉरी कुछ स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप कर गए और कुछ स्टेट्स जो हैं वो अभी भी जो हैं पीछे रह गए सो दीज आर दी कॉज ऑफ़ पावर्टी अब अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ सालों में क्या इंटरवेंशन क्या स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लेके आई हैं टू रिमूव पावर्टी फर्स्ट इज गवर्नमेंट uh, ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने क्या किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है क्यों क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसमें ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है ठीक है ना मान लीजिए आप पहले दस फैक्ट्री थी अब पचास फैक्ट्री खुल गई है इंडिया में तो वो पचास फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर तो इम्प्लॉय करनी पड़ेगी लेबर कहाँ से आएगी रूरल एरिया से आएगी अर्बन एरिया से आएगी अगर लेबर आ रही है तो उनको नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी तो मतलब उनको तनख्वाह मिलेगी तनख्वाह मिलेगी तो वो घर जाके अपना घर भी खरीद सकते हैं मतलब उनको रोटी कपड़ा मकान वो तीनों चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया किसके ऊपर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या लेके आई टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम टारगेटेड मतलब स्पेशल टारगेट करके कि हाँ हमको क्या करना है पावर्टी एलिवेट करना है पावर्टी को हटाना है गरीबी को हटाना है सो so, गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स लेके आई ठीक है जी अब उसके बारे में उसके बाद जो है सो so, हमारे तीन चैप्टर्स अब कंप्लीट हो गए हैं अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का वो बचा है दैट इज़ फूड सिक्योरिटी ठीक है ना तो आगे बढ़ने से पहले फिर से वही वाली बात करते थे कि हम कौन से कौन से डायमेंशन पर टच करने वाले हैं ठीक है सबसे पहले तो फूड सिक्योरिटी क्या है वॉट इज फूड सिक्योरिटी ठीक है वाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इट वाई टू टॉक भाई ऐसी कोई कुछ तो इंपॉर्टेंट बात होगी कुछ तो कुछ 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 तो होगा ना पेचीदा जिसके लिए हमें इसके बारे में स्पेशली चैप्टर बना के दिया है सो डू हैव टू टॉक अबाउट इट ठीक है ना हु हु आर आर फूड इनसिक्योर ठीक है ना हु आर फूड इनसिक्योर बेसिकली हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो फूड जिनके पास फूड की सिक्योरिटी नहीं है सो हु आर दोज पीपल ठीक है ना वॉट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन फैक्ट यू सी अभी जब हम आगे मेन्स की बातें करेंगे ना जब आप कोई कोई भी फाउंडेशन प्रोग्राम में जाते हैं ठीक है तो आप देखोगे कि आपका जो मेन्स का आंसर होता है ना उसके लिए अगर आपको सोचना भी है तो इसी तरीके से आपको सोचना है और इसी तरीके से आपको उसको आंसर में पिरोना है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी जो एनसीआरटी है वो डिवाइज है बनी हुई है लिखी हुई है ठीक है ना भाई पहले प्रॉब्लम को बताया हुआ है ठीक है ना हम उस बारे में बात क्यों कर रहे हैं एक चैप्टर दे दिया क्यों हु आर फूड हुर स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट ठीक है ना एंड वन ऑफ द स्टेप विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन विच इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका इवोल्यूशन कि भाई वो कैसे आगे 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 जब वो स्टार्ट हुआ फिर उसमें क्या चेंजेस आए उस बारे में बात करेंगे ठीक है चलो जी सो वॉट इज फूड सिक्योरिटी फूड की सिक्योरिटी फूड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए पानी चाहिए खाना चाहिए घर चाहिए आउट ऑफ विच द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज फूड ठीक है ना तो फूड सिक्योरिटी वुड मीन कि आपके पास खाना अवेलेबल है अवेलेबल होने के साथ साथ आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो और आप उसको अफोर्ड भी कर पा रहे हो ठीक है ना अब मान लीजिए आपके पास खाना है ठीक है ना आपके एरिया में खाना मिलता है लेकिन ठीक है ना एक्सेसिबल है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है तो क्या फूड सिक्योर हो आप तो खाना खा ही नहीं पाओगे आपको सोच के खाना पड़ेगा कि मैं एक टाइम खाना खाऊं या दोनों टाइम खाऊं या तीन टाइम खाऊं क्यों क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो सो फूड सिक्योरिटी में ये जो तीनों कॉम्पोनेंट्स है कि सबसे पहले फूड अवेलेबल होना चाहिए राइट right टाइम पे भूख आज लगी है तो मुझे सामने अपने खाना अभी चाहिए एक हफ्ते बाद अब हम जब जब खाना डिलीवर करते हैं स्विगी जोमैटो जिससे भी करते हैं ठीक है ना हमको जब भूख लगती है दैट इज द टाइम वी नीड द फूड ना कई बार लेट हो जाता है हम बोलते हैं यार अब हमारी भूख मर गई अब हम क्या करें अब हमें खाना ही नहीं खाना आई नीड द फूड अवेलेबल वेन आई एम मे नीड ऑफ इट ठीक है ना एट द सेम टाइम ऑफ द अवेलेबिलिटी इट शुड बी accessible ऑल्सो अब कोई रेस्टोरेंट बहुत दूर दराज खुल गया है ठीक है ना मैं क्या करूँ इट इज ऑफ नो यूज टू मी कोई दुकान है जहाँ पे फ्री में खाना बट रहा है फ्री में राशन बट रहा है what डू आई डू मेरे पास साधन नहीं है वहाँ तक पहुँचने का और अगर मेरे पास चलो साधन भी है और अवेलेबिलिटी भी है वहाँ पे, अब वहाँ जाके पता चल रहा है इतना महंगा है मैं उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ दैट ऑल्सो मेक्स मी फूड इन सो फूड सिक्योरिटी मीन्स कि मेरे पास अवेलेबिलिटी है मैं वहां उस तक पहुँच पा रही हूँ एक्सेसिबल है एंड लास्ट इज इट इज अफोर्डेबल ऑल्सो दिस इज और दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या मैं उसे अफोर्ड कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ सो दैट इज़ वॉट इज फूड सिक्योरिटी ये तीनों चीजें हैं दैट मीन्स यू आर फूड सिक्योर आप कहोगे मैम वो तो शुरू से ही था नहीं बिल्कुल भी नहीं जब देश को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी मिलने से पहले 1943 में क्या आया था बंगाल में फेमाइंस आए थे लार्ज स्केल डेथ हुई थी लोग भूख से मर गए थे <coughs> स्टारवेशन जिसको कहते हैं ना खाना ही नहीं था क्यों क्योंकि जो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो फेल करता जा रहा था फिर आ गए ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा खान अब उपज हुई नहीं और लोग मरे जो 1943 में बंगाल बें में हुआ था वैसा कभी नहीं हुआ इंडिया में उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट संभल गई गवर्नमेंट को समझ आने लगी कि अगर हमने फ़ूड के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी कुछ भी स्थिति बदली कभी भी वॉर की स्टेज आई तो हमारे यहाँ तो लोग भूखे मर जाएंगे राइट तो ऐसा नहीं है कि शुरू से फ़ूड अवेलेबल था इंडिया में फ़ूड अवेलेबल कराया गया जो वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पढ़ा था हमने अभी चैप्टर वन में थोड़ी देर पहले ग्रीन रेवल्यूशन क्यों क्योंकि उससे पहले इंडिया में सफिशेंट फूड ग्रेन ही नहीं थे बाहर से मंगाना पड़ता था कई बार कमी पड़ जाती थी ठीक है ना सो डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड गवर्नमेंट हैज़ कम अ लॉन्ग वे इंडिया की तरक्की हैज़ कम अ लॉन्ग वे देर वॉज़ अ टाइम जब फूड वॉज़ नॉट अवेलेबल नाउ इट इज अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं बहुत सारे ऐसे कूचे कबीले जहां पे जो राशन है सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता और अगर पहुंच भी जाता है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ये तो आप सबको ही पता है राइट सो फूड सिक्योरिटीज वेन द फूड इज अवेलेबल इट इज एक्सेबल एंड इट इज अफोर्डेबल एज वेल ठीक है चलिए नाउ वाई डू यू हैव टू टॉक अबाउट दैट क्योंकि फूड भाई खाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम तो पूरे दिन ही सोचते रहते हैं कि क्लास खत्म होगी तो उसके बाद हम क्या खाएंगे फिर सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे संडे को तो हम स्पेशल छोले भटूरे या पराठे खाएंगे राइट फूड इज लाइफ

बट अगर आप सूखा ही पड़ गया देश में तो खरीदोगे क्या आप कहते हो ना कि भाई चलो मेंग, चीज महंगी मेंग, हो गई तो गरीब थोड़ा कम खाएगा तब अमीर को फर्क नहीं पड़ेगा अब आप मुझे ये बताओ वो प्रॉब्लम हो गई अफोर्डेबिलिटी की अब बना ही नहीं है देश में अनाज ही नहीं है उगा ही नहीं है तो अमीर क्या करेगा बारिश थोड़ी ले आएगा सो एनी वन इन दी कंट्री बीट रिच और पुअर कैन फेस द क्राइसिस सो कंट्री को गवर्नमेंट को पूरे ओवरऑल लेवल पे फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है इट इज ऑल्सो नीडेड टू इंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री हैज एक्सेस टू सेफ एंड फूड तभी तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी हमारी सेकेंड चैप्टर में अच्छा खाएंगे तंदुरुस्त रहेंगे तभी तो दिमाग के घोड़े चलेंगे <coughs> तभी तो ऑफिसर बनेंगे तभी तो नई पॉलिसी बनाएंगे जिससे ये जो फूड सिक्योरिटी हो एनहेंस हो पहले ही लेवल पे खाना नहीं था खाना नहीं तो ठीक से पोषण नहीं मिला हम बहुत वीक डेवलप uh, uh, हमारा ठीक से हुआ नहीं डेवलपमेंट अब हमारा दिमाग ठीक से चलता नहीं है दिमाग चलता नहीं है तो हम कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आ पा रहे जिससे फूड जो है सबको अफोर्डेबल हो अवेलेबल हो एक्सेसिबल हो तो हम उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं सो व्हाई डू हैव टू टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी ये तीन रीजन है ठीक है तो सबसे पहले व्हाट इज फूड सिक्योरिटी व्हाई डू वी हैव टू टॉक अबाउट इट नेक्स्ट इज हुम डू यू थिंक आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द कैलामिटी यहाँ पे पढ़ा था ना कैलामिटी आ जाती है ठीक है ना कैलामिटी में क्या होता है मान लीजिए <coughs> मान लीजिए सूखा पड़ा सूखा ड्रॉट जो होता है ठीक है ना सूखा पड़ा मतलब कम ग्रेन्स उगे कम फूड ग्रेन उगे कम फूड ग्रेन्स उगे ठीक है कम फ्रू फूड ग्रेन उगे उगे तो जो शॉपकीपर है जो शॉपकीपर है उसे पता है कि मेरे पास फूड ग्रेन कम है ख़रीदने वाले अनेक हैं ठीक है ना दस ही बोरियाँ पड़ी हैं लेकिन मेरे बाहर सौ लोग खड़े हैं ख़रीदने के लिए हमें दे दो चावल की बोरी हमें दे दो चावल की बोरी मैं क्या करूँगी मैं थोड़ी बदमाशी करूँगी जो चावल की बोरी आ, मान लीजिए दो दो सौ रुपये की थी अब मैं उसी को बेचूँगी जिसको जिस जो मुझे इसके पाँच सौ रुपये देगा जो मुझे इसके क्या देगा मुझे इसके पाँच सौ रुपये देगा क्यों मुझे पता है क्योंकि इतने लोग खड़े हैं किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी तो वो अपनी ज़रूरत को खरीदेगा तो क्या हो रहा है ये जो अनाज की बोरी है ये महंगी हो गई जो चावल की बोरी है ये महंगी हो गई अब गरीब आदमी कहाँ जाए गरीब आदमी कहाँ जाए क्लामिटी में ये होता है या कई बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ा जो है क्रॉप्स है जो क्रॉप्स हैं वो उगे ही नहीं तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि हुम डू यू थिंक आर दी मोस्ट इफेक्टेड बाय द कैलामिटीज सोच के देखो कहते हैं ना अमीर के घर में तो राशन पड़ा होता है अगले एक महीने का देखा ही होगा ठीक है ना हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं बेचारे बि जो मिलता है उससे थोड़ा बहुत खरीद के रोज की रोज सब्जी खरीदते हैं उसको बना लेते हैं खा लेते हैं रोज के रोज थोड़ा सा आटा खरीदते हैं उसको बना लेते हैं खा लेते हैं सो व्हाट डू यू थिंक अगर कभी कैलामिटी आती है सूखा पड़ता है Uh, अनाज महंगा हो जाता है तो सबसे पहले किसके ऊपर इफेक्ट आप ही आप आंसर दोगे क्योंकि मैं आपका पीछे का जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर चुकी हूं तो आ गया ना जवाब अपने आप दिमाग में हु आर द वंस विल दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टेड बाई द केलामिटीज इट इज दी इट इज दी इट इज दी पुअर और दी लोअर स्ट्रेटा जिनके पास पैसा नहीं है जो सेव करके नहीं रख सकते फ्यूचर के लिए राइट नाउ हु आर फूड इनसिक्योर भाई फूड इनसिक्योर कौन है लैंडलेस पीपल जिनके पास जमीन नहीं है ठीक है ना ट्रेडिशनल आर्टिसन्स वे पुराना हैंडीक्राफ्ट करते थे जिसकी क्या पुरा, पुरानी टाइप की कोई कढ़ाई बुनाई करते थे जिसकी अब कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है आजकल हर चीज़ मॉडर्न चाहिए आजकल हर चीज़ बहुत सुपीरियर चाहिए क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए आजकल हाथ से बने हुए स्वेटर कोई नहीं पहनना चाहता आजकल सबको मशीनी कढ़ाई वाले स्वेटर चाहिए या मशीन में बने फाइन मूल के लेदर चाहिए तो ट्रेडिशनल आर्टिसन्स हो गए उनकी कमाई के सोर्स कम होते जा रहे हैं हो चुके हैं होते क्या जा रहे हैं हो चुके हैं प्रोवाइडर ऑफ़ ट्रेडिशनल सर्विसेज ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे वो सर्विस जैसे हकीम जी होते हैं पहले क्या होते थे हकीम होते थे वैध होते थे ये डॉक्टर वॉक्टर थोड़ी होते थे आई आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पहले दांत निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाता था पेड़ के नीचे बैठा होता था एक डॉक्टर हकीम जैसा जो खींच के दांत निकाल देता था हैरानी हो रही है ना तो ये ट्रेडिशनल सर्विसेज़ हैं ये जो वैद्य हैं आजकल कोई वैद्य के पास नहीं जाना चाहता सबको डर लगता है अपनी जान का कि नहीं भाई पहले जाके हम जांच कराएंगे हम अपनी पूरी बॉडी की टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट कराएंगे उसके बाद जो डेफिशिएंसीज आएंगी उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन लेंगे है ना कि नहीं तो जो ट्रेडिशनल सर्विसेज़ हैं उनको कंज्यूम करने वाले बहुत कम रह गए हैं बहुत कम रह गए हैं तो जो प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज़ हैं अब उन्होंने या तो अपने आप को अपग्रेड कर लें अब अगर अपग्रेड नहीं किया अभी तक भी वो वहीं पर हैं तो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर वो है क्यों क्योंकि उनके पास कमाई का ज़रिया नहीं है कमाई का ज़रिया नहीं है तो मतलब खाने का भी ज़रिया नहीं है ठीक है ना पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स छोटे मोटी कोई छोटी सी दुकान है कभी कोई पंचर वंचर रिपेयर कर लिया ठीक है ना फिर आपने वो देखा होगा कि गवर्नमेंट फिज़िकली हैंडी जो लोग होते हैं उनको एक वो हाथ वाली साइकिल बांटती बांटती है फ्री में ठीक है ना ताकि उसके ऊपर वो बीड़ी सिगरेट के पैकेट या चिप्स के पैकेट ऐसे पांच पांच रुपए वाले लटका के वो बेचते हैं क्या कमा लेते होंगे वो दिन में ना उनके पास छत है उसी पे वो बेचारे सो जाते हैं सो पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स डेस्टीट्यूट इंक्लूडिंग बेगर्स जो बेगर्स होते हैं उन्हें नहीं पता है उन्हें नहीं पता है कि उनके पास शाम को भी खाना होगा कि नहीं फॉरगेट अबाउट अगले हफ्ते क्या ये सोच आपके दिमाग में कभी आई है कभी भी नहीं आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि वॉट इफ अगले हफ्ते से मुझे पता चले कि मेरे को खाना नहीं मिलेगा या मुझे खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा सो यू शुड बी थैंकफुल इनफ टू गॉड की क्लास खत्म होने के बाद आपको ये नहीं सोचना कि खाना कहां से आएगा मेरे पास क्योंकि हमने इन चीजों को ग्रांटेड लिया बट देर आर सर्टेन पीपल हु अबाउट देर नेक्स्ट मील ऑल्सो सो बेसिकली फूड सिक्योर आर insecure इन सिक्योर आर दोज पीपल हु डू नॉट नो इफ दे विल गेट फूड फॉर सेवन डेज इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स मतलब टोटल सेवन डेज नहीं मतलब सातों दिन अगले बारह महीने के लिए खाना मिलेगा कि नहीं मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि अगले हफ्ते भी खाना मिलेगा कि नहीं दो आर दी पीपल हु आर फूड इन ठीक है अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया क्यों बात करनी पड़ रही है क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आ गई थी कि जो बंगाल फेमाइन वाली सिचुएशन है वो वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए बहुत मिजरेबल स्टेट थी वो इंडिया में और उसी के बाद हुआ था पार्टीशन पार्टीशन से रिफ्यूजीज आए थे उनको भी खाना देने के लिए नहीं था तो गवर्नमेंट को समझ आ गई कि हमें कुछ करना पड़ेगा इसलिए गवर्नमेंट ने इवॉल्व किया फूड सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम जिसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं एक तो बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बफर स्टॉक क्या होता है स्टॉक बफर में रखा हुआ है बफर क्या होता है मार्जिन हमने पहले ही ज्यादा सामान लेके रखा हुआ है बफर स्टॉक इज दूमिलेटेड फॉर फ्यूचर यूज अभी जरूरत नहीं है लेकिन हमने सेव करके रखा हुआ है कि कल को कोई आपदा आती है तो हम इस स्टॉक को रिलीज कर देंगे इट इज डन बाय हुम इट इज डन बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैसे किया जाता है कि जिन स्टेट्स में ऐसा तो नहीं है हर स्टेट में अनाज इक्वल लेवल पे उग रहा है हर स्टेट में चावल इक्वल लेवल पे उग रहा है या हर स्टेट में खेती बाड़ी इक्वल लेवल पे हो रही है नहीं होता ना ऐसा तो जिन स्टेट्स में ज़्यादा होता है वहां से जो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है एक प्राइस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बस अभी इतना समझना है इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो एक प्राइस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस पर ख़रीद लेती है और उन स्टेट्स में सप्लाई करती है जहां पे फूड ग्रेन्स कम अवेलेबल हैं तो इससे हम क्या कर रहे हैं बफर स्टॉक बेसिकली स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली हम अभी स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं दो कॉम्पोन थे ना बफर स्टॉक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम क्या कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा अनाज ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उग रहा है पता है भाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उग रहे हैं वहाँ से ले लिया फार्मर से और उसको अंदर रख दिया अब इसके बाद हम क्या करते हैं हम क्या मतलब गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है किसके बीच में पब्लिक के बीच में कौन सी पब्लिक के बीच में जिनको पता है जिनका पता है कि इनके पास इनको मदद करनी पड़ेगी खाने के लिए वरना इनके पास खाना अवेलेबल नहीं होगा सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेन्स टू दुअर प्लेस थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया में क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप्स देखिए फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है उनको तो ये जो बफर स्टॉक है वहाँ से सामान पहुँचाया जाता है राशन शॉप्स पे जिन्हें फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है ये चीज़ें पता ही है गांव में रहने वाले बच्चों को तो बहुत अच्छे से होगा देखी होगी शहरों में भी राशन शॉप्स होती हैं राइट तो ये स्टॉक वहाँ पर पहुँचाया जाता है और इतना सस्ता मान लीजिए कि तीन रुपये में चावल तीन रुपये में आटा तीन रुपये पर किलो दो रुपये पर किलो में चावल दिया जाता है क्यों क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए वो दो रुपए क्योंकि चावल खरीद लेना अपने आप में सफिशेंट नहीं है फिर बर्तन चाहिए उसमें पानी डालना पड़ेगा नमक डालना पड़ेगा <coughs> तो वो भी लग्जरी है कुछ लोगों के लिए दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दी सिस्टम ऑफ फूड सिक्योरिटी जिसका दो पार्ट है बफर स्टॉक जिसमें गवर्नमेंट क्या खरीदती है जहाँ पे ज्यादा उग रहा है वहां से एक सर्टेन प्राइस इससे फार्मर को भी फायदा है कि भैया हमारा स्टॉक बिक गया पूरा का पूरा वहाँ से स्टॉक ले लेती है स्टॉक पहुँचाती है कहाँ पे राशन शॉप्स पे और राशन शॉप से वितरण होता है सब्सिडाइज रेट पे अब इसके इवोल्यूशन की कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई ठीक है ना इनिशियली आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को लगा हमको जिसको ज़रूरत है वो आगे सब्सिडाइज प्राइस पर ले जाए क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते गवर्नमेंट ने सोचा हमें सबको हेल्प करनी चाहिए सो so, उस टाइम क्या था यूनिवर्सल कवरेज था मतलब सबको विद नॉन डिस्क्रिमिनेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आप गर, गरीब हो अमीर हो हमें नहीं फर्क पड़ता हम आपको सब्सिडाइज प्राइस पे क्या देंगे राशन देंगे लेकिन धीरे धीरे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करी गवर्नमेंट प्रोग्रेस करी गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स जो लोग प्लानिंग करते हैं उनको समझ आई कि भाई सबको देने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास है ऑलरेडी खाने के लिए उनको क्यों दे के खर्चा बढ़ाना इसलिए 1992 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया जिसमें 1700 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए मतलब 1700 एरिया मान लो कंट्री में और उसमें उसमें जो बैकवर्ड एरियाज हैं मतलब रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज वहीं के लोगों को दिया गया <coughs> इसके बाद इसको और रिफाइन किया गया 1997 में आया टारगेटेड पी डी एस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टारगेटिंग ऑल दी दुअर्स इन दी कंट्री यहाँ पे क्या कर रहे थे 1992 में 1700 ब्लॉक्स पकड़े वहां के लोगों को दे रहे हैं नहीं 1997 में हमने देखा कि यार अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं रह जाते हैं सो so, अब हम क्या कर रहे हैं टारगेटेड टारगेट पे तीर मारेंगे तो हम आइडेंटिफाई किए ऐसे लोगों को कौन से लोगों को ऑल दी पुअर्स इन दी कंट्री फिर उसके बाद 2000 में और प्रोग्रेस और इवॉल्व किए एंड इंट्रोड्यूस टू स्कीम्स अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्ण स्कीम अन्नपूर्ण स्कीम में हमने जो ओल्ड एज सिटीजन हैं उनको हेल्प करी बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स एंड अंत्योदय अन्न योजना में हमने तीन दो एक तीन <coughs> रुपये में वीट दो रुपये में चावल बांटा ठीक है ना किसको Weakest या पुअरेस्ट ऑफ पुअर को <coughs> तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में बातें करेंगे बस अभी ए, इतना सा समझ लो इतना सा भी रिटेन कर लिया ना मोर देन सफिशिएंट है क्यों बेबी स्टेप्स एक साथ सारा सीखना था तो फाउंडेशन प्रोग्राम में ही सीख लेते बट हाँ पे क्या ओवरलोडिंग ऑफ सिस्टम हो जाता है हमारा जो कंप्यूटर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है उसका पावर ऑफ हो जाता है ठीक है तो इसलिए हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं कोई बात नहीं हम उतने होशियार नहीं है हम तो यहाँ से पढ़ेंगे और धीरे 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 अपनी जो है बिल्डिंग को स्ट्रांग करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पी अब इसका हम देख लेते क्रिटिकल एनालिसिस क्रिटिकल एनालिसिस मतलब हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों करेंगे चलो पहले अच्छाई कर लेते हैं ठीक है ना पहले हम तारीफ़ें कर लेते हैं तो जब ये आया सिस्टम फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया इसमें पी डी एस इज़ अ पार्ट ठीक है ना इसने क्या हेल्प करी इट हेल्प्ड इन स्टेबलाइजिंग प्राइजेज एंड मेकिंग फूड अवेलेबल क्यों क्योंकि बीच में बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब इन्फ्लेशन आती है इंडिया में जैसे अभी हुआ कोविड के बाद क्या आया फूड इन्फ्लेशन इनफैक्ट अभी तक चल रही है फूड इन्फ्लेशन तो गवर्नमेंट ने उस टाइम भी क्या हुआ था कोविड के दौरान फ्री फूड ग्रेन बांटे क्यों ताकि जो प्राइजेज हैं वो स्टेबलाइज हो सके ठीक है नेक्स्ट इज इट रिमूव्ड वाइड स्प्रेड हंगर पावर्टी में पढ़ा हमने कितने लोग कितने ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा के नीचे हैं खा नहीं पाते अगर उनको ठीक से खाना नहीं मिलता तो वो क्या सोचेगा अपने डेवलपमेंट का क्या सोचेगा वो तरक्की का जिसके पेट में खाना ही नहीं है बट अगर आप किसी को ये इंश्योर कर दो कि आपके दो टाइम खाने की तो हम जिम्मेदारी ले, ले लेते हैं आप आगे का देखो तो इंसान का दिमाग आगे वाले स्टेप की तरफ चलने लग जाता है तो इट हेल्थ इन रिमूविंग दी वाइट स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन लास्ट इज इट कॉन्ट्रीब्यूटेड इनक्रीज इन फूड प्रोडक्शन क्यों क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला आप तो बनाओ चावल आप तो बनाओ व्हीट हम आपसे फार्मर को इंश्योर किया हम आपसे मिनिमम आप जितना भी बनाओगे हम आपसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेंगे क्यों क्योंकि गवर्नमेंट का एजेंडा था उसको पीछे बफर स्टॉक क्रिएट करना था इससे क्या हुआ फार्मर्स को इंश्योरिटी मिल गई हम जितना भी बनाएंगे गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी तो उन्होंने भी मेहनत और डालनी चालू करी कि इंक्रीज करो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करो फूड ग्रेन प्रोडक्शन और इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई कि फार्मर्स को भी जो प्रोडक्शन है इंक्रीज हुआ ठीक है ना उससे उनको भी इनकम इंक्रीज हुई और इधर गवर्नमेंट का क्या बफर स्टॉक क्रिएट हो गया कि कल को कोई भी मुसीबत आई यहाँ से स्टॉक रिलीज कर देंगे लोगों को ठीक है नेक्स्ट इज अब हम देखते हैं नेगेटिव्स इसके देर हैव बीन इंस्टेंसिस ऑफ हंगर डिस्पाइट ऑफ सच सच इंटरवेंशन ऐसा नहीं है कि ये स्कीम ने टोटल इराडिकेट कर दी भुखमरी इंडिया से नहीं अभी भी बहुत सारे लोग हैं भाई गवर्नमेंट कब से चला रही है ये प्रोग्राम लेकिन अभी भी हम हंड्रेड परसेंट फूड सिक्योरिटी नहीं अटेन कर पाए इंडिया में एक्सेसिव प्रोक्योरमेंट लीडिंग टू क्रॉप्स गेटिंग रोटन कई बार गवर्नमेंट जब ठीक से ये अंदाज़ा नहीं लगा पाती कितना कि कि बफर स्टॉक क्रिएट कितने हज़ार किलो ग्रेन्स खरीद के रखने चाहिए तब क्या होता है अनाज तो पड़े पड़े खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई पड़े पड़े खराब हो रहा है पड़े पड़े सड़ रहा है या उसे चूहे खा जा रहे हैं या वो बारिश में ख़राब हो जा रहा है क्यों क्योंकि इतने वेयर हाउसेस थोड़ी है हमारे पास है ना तो इससे अच्छा किसी के पेट में चला जाता या आप उतना ही प्रोक्योर करो जितना आप अपने पास स्टोर कर लेते या कर सकते हो क्योंकि सड़ने सड़ाने और गलाने से तो कोई मतलब नहीं बनता ना सो तो ये चीज़ें तो गवर्नमेंट भी धीरे धीरे सीख रही है कि किस ईयर में उनको कितना कौन से कौन से ट्रेंड्स एंड पैटर्न को देखें जिससे पता चल सके कि हम इतना फूड ग्रेन जो है इतना ही प्रोक्योर करना चाहिए उससे ज़्यादा हमें जो है ज़रूरत नहीं है सो दैट वॉज दी क्रिटिकल एनालिसिस ठीक है ना एंड लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दिस बुक इज रूल ऑफ कॉपरेटिव इन फूड सिक्योरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है जहां पे सब मिलजुल के आ, काम करते हैं उत्थान करते हैं चीज़ों का इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल ठीक है ना जो आनंद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो मिल्क यूनियन बनी हुई है ठीक है ना तो वो लोग क्या करते हैं एक एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे सारे आसपास के जो मिल्क मैन है या मिल्क फार्मर्स हैं वो कर एसोसिएटेड है वो रोज़ अपना दूध ले के कहाँ पर अमूल के पास बीच में रख जाते हैं अमूल सारा मिल्क कलेक्ट करता है उसको प्रोसेस करता है उसको पॉस्चराइज करता है उसको पैकेट करता है और ऑल ओवर इंडिया में क्या करता है सप्लाई करता है तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोपरेटिव का क्या रोल रहा है इन इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी इन दी कंट्री सो दे हैव प्लेड अ वेरी बिग रोल इट इज जस्ट नॉट अबाउट अमूल देर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स जैसे कि नंदनी नंदनी इज ऑल्सो मिल्क डेयरी इन कर्नाटका जैसे मदर डेयरी चलती है दिल्ली एन में सो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड मिल्क They are trying to provide food fruits and vegetables at a uh, subsidized price but at a price but at a price which is less than the prevailing market price right so they have played a huge role in ensuring the food security in India they have what they have ensured the availability of consumables at the controlled prices across the countries Bas, इतना सा समझना था आपको नाइन की एन में आर में और ज़्यादा नहीं जाना आगे बहुत सारी बहुत अभी तो लंबी सीरीज़ पड़ी है धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे अभी इतना ही बहुत था एंड होप क्लास अच्छी लगी होगी और आप मेरी नेक्स्ट uh, क्लास का वेट करोगे कि मैम टेंथ वाली एन कब आ रही है तो क्लास कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंड इसी एंतुजी के साथ टेंथ की एन पढ़ेंगे क्यों क्योंकि हमारी जो जर्नी है बहुत लंबी है लेकिन हमारे जो स्टेप्स हैं वो हम बेबी स्टेप्स लेंगे सो दैट सो दैट वी अटेन वी अटेन आ गोल इन दी फर्स्ट गो ओनली थैंक यू सो मच